अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीदें ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहत याब होंगे। जुम्मा मुबारक आप सबको। अच्छा सा नेक सा दिन आपने स्टार्ट किया होगा, कुछ अच्छी नेकी करने का सोच रहे होंगे, किसी का दिल अच्छा करने का सोच रहे होंगे, किसी की ज़िंदगी बेहतर करने का सोच रहे होंगे आप लोग। तो आज का एक नेक नीयत से, एक अच्छी बात से जो है दिन स्टार्ट करें। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब हम दिन स्टार्ट करते हैं ना, तो शुरू के जो आपके 10-15 मिनट होते हैं, वही आपके दिन का जो है वो मूड सेट कर देते हैं। या आप सुबह उठ के जो है ये सोच सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने चाय नहीं पी, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, और एक नेगेटिव सा मूड सेट कर सकते हैं। या आप सुबह उठ के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि एक और सुबह आपको नसीब हुई, एक और दिन अल्लाह ताला ने आपको दिया, एक और मौका अल्लाह ताला ने आपको दिया कि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें, उसमें कुछ नेकियाँ ऐड कर सकें, कोई सवाब कमा सकें, कोई अपनी आखिरत बेहतर कर सकें, और आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठें। जो आपका सुबह सुबह का माइंडसेट होता है ना, वो पूरा दिन का जो मोड होता है ना, वो आपका सेट कर देता है। अगर सुबह सुबह चिक-चिक हो जाए थोड़ी सी घर में, थोड़ी सी लड़ाई हो जाए किसी बात पे, तो बेशक कुछ छोटी सी बात हो कि अंडा ठीक तरह से नहीं फ्राई हुआ हुआ, इतनी सी भी बात हो ना, तो पूरा दिन आपका जो है वो बुरा गुजरता है और समझ नहीं आती पूरा दिन कि क्यों इतना जो है अजीब सा मूड हुआ हुआ है, क्यों इतना बुरा सा मूड हुआ हुआ है। तो सुबह सुबह अवॉइड करें किसी किस्म की बहस, किसी किस्म की बदमजगी, किसी किस्म का जो है दिल बुरा करना, किसी किस्म पे गिला करना। आपको कोई चीज़ नहीं भी पसंद आएगी, जाने दें, कुछ नहीं होता। सुबह सुबह जाने देंगे, अच्छा सा मूड होगा तो बाकी दिन भी जो है वो आपका अच्छा गुजरेगा। सुबह अगर अजीब सी होगी, थोड़ी बुरी बात से होगी, तो बाकी दिन भी आपका अजीब ही गुजरेगा। तो एक बड़े मजे की बात मैं आपसे शेयर करती हूँ। आज मेरी ओपनिंग भी जो है वो उसी लिहाज से, और मैंने कहीं पर पढ़ा कि एक साहब हैं जो मुस्लिम हैं, वो बाहर रहते हैं, आई थिंक अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो वहाँ पर एक जिम जाते हैं और हर जिम में सेगमेंट्स होते हैं। जैसे जुम्बा की क्लास का सेगमेंट होता है, योगा का होता है, किस तरह करके जो है सेगमेंटेशन हुई हुई होती है। तो वो कहते हैं कि मैं अपना जिम करने गया वहाँ पर, तो अजान होगी, नमाज का टाइम हो गया, तो और मुझे कोई जगह मिली नहीं, तो मैं योगा रूम में चला गया क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल खामोशी होती है और साफ सुथरी जगह होती है, और वहाँ जाके मैं नमाज पढ़ना शुरू हो गया। तो कहते हैं जब मैं तीसरे सजदे के बाद जो है जब मैं उठा हूँ और मैंने देखा कि मेरे पीछे जो है बहुत सारे लोगों की कतार खड़ी हुई है और सब वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, और वो सब अंग्रेज़ हैं, सब अंग्रेज़ हैं, उसमें से आई डोंट थिंक कोई मुस्लिम है। तो कहते हैं मैंने पूरा जब मैंने अपना नमाज पढ़ ली और मैंने सलाम फेरा, तो मैंने पीछे मुड़ के उनसे पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो, तो उन सबको लगा कि शायद वो योगा इंस्ट्रक्टर हैं और ये कोई नए फॉर्म का योगा है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो एक रूटीन बन गई उन सब की कि वो जिस तरह वो नमाज पढ़ते थे, तो वो वाला जो सारा पॉस्चर है वो उसको कॉपी करके तो वो योगा करते थे। तो ये बात जो है यहाँ पर एक बड़ी ही प्यारी सी एक एग्जाम्पल है कि सारे जो है वो आए वहाँ पर, उन्होंने उनको फॉलो किया जब वो नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन साइंटिस्ट ने, योगीज ने जो है ये बात प्रूव की है कि जो पॉस्चर होता है आपका नमाज के दौरान, जो सजदा है, जो रुकू है, वो सारी चीज़ें एक्चुअली आपकी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए मुफीद होती हैं। कुछ साइंटिस्ट ने जो है कमर के पेन को जब एनालाइज किया कि जब आप झुकते हैं तो जो बैक पेन होती है, आप झुक के कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, बच्चों को जो है कपड़े चेंज करवा रहे हैं, तो जो आप झुकते हैं तो आपकी बैक में स्ट्रेन होता है, लोअर बैक में, और इसको जब ट्रीट किया गया उस पॉस्चर से जो आपका नमाज में होता है, तो 90% जितने भी वहाँ पर लोग थे जिन्होंने स्टडी में पार्टिसिपेट किया, उनको जो है पेन में क्या कहते हैं बेहतरी आई उनका पेन में, कि वो जो पेन है वो उनका ख़त्म हो गया और उसकी वजह से जो है वो बेहतर फील करना शुरू हो गए। जो आप सजदा जब करते हैं, जब आपका सजदा तवील होता है, तो आपकी कमर जो है वो पूरी स्ट्रेच होती है। ये मिसेस हशमत भी हमें बहुत दफ़ा बता चुकी हैं कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी नेचुरल पोजिशन जो है, नेचुरल वो ये है, इस तरह करके है। जब वो यूं हो जाती है, और ये एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, इससे मुझे एक बात याद आ गई, मैं आपसे शेयर कर लूँ कि एक खातून थी जिनकी स्पाइनल कॉर्ड, ये बहुत एक रेयर डिसऑर्डर है जिसके अंदर ऐसे के बजाय ऐसे हो जाती है, मतलब यूं आर्च हो जाती है। उसकी वजह से अब आपको लगता है क्या होगा, कमर में दर्द होगा? जी नहीं, सिर्फ कमर में दर्द नहीं, आपकी बॉडी कुछ भी डाइजेस्ट नहीं करती। या आप सोच सकते हैं, आप जो भी खाते हैं वो आपको उल्टी हो जाती है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको एक स्पेशल पॉस्चर में बैठना पड़ता है 1-2 घंटे के लिए, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म काम करे और आप खाने को अब्सॉर्ब कर सकें, डाइजेस्ट कर सकें। तो आप अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड सही पोजिशन में ना हो, तो आपके बॉडी के बाकी फंक्शंस भी जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो
नमाज पे वापस आते हैं, नमाज में ये हुआ कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन है वो नेचुरली यूं होती है, और जब आप सजदा करते हैं तो भी आपकी जो है स्पाइनल कॉर्ड फुल स्ट्रेच होती है और एक कंफर्टेबल स्ट्रेच उसको मिलता है जो उसकी नेचुरल पोजीशन है. उसकी वजह से नंबर वन हाइट बढ़ती है कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको जितना स्ट्रेच किया जा रहा है उसके अंदर जितनी कैपेसिटी है वो जो है फुल यूटिलाइज हो रही है, उससे आपकी हाइट में इजाफा होता है, उससे आपकी बैक एक जो है वो ठीक होती है, उससे आपकी कमर का पॉस्चर जो है, जो मतलब मुझे भी, मैं भी कसूरवार हूँ, मैं भी थोड़ी यूं करके खड़ी होती हूँ, आपका पॉस्चर भी जो है वो सीधा होता है. और नमाज अगर मैं जो हूँ अपने रिलीजन पे बात करूँ, अपने उस पे बात करूँ, तो नमाज इज अ सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन. आप अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं, आप डायरेक्टली अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं. जब मैं छोटी थी ना, बचपन में जो है ना, बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, और मुझे मेरी अम्मी ये कहती थी कि जब आप नमाज पढ़ते हो तो आप अल्लाह मियाँ के सामने खड़े हुए होते हो और आप अल्लाह मियाँ से झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि वो आपको हर वक्त देख रहा है, सात पर्दों में भी अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं. तो जब आप नमाज में खड़े होगे तो वो ऐसा है कि आपकी हाजिरी लग गई, आप उधर खड़े होगे और आपने जो कुछ किया है वो आप अल्लाह मियाँ को सामने बता रहे हैं. तो जब मैं नमाज पढ़ती थी तो जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी ना, तो छोटी थी मैं बचपन में, तो मैं लालच देती थी ना अल्लाह मियाँ को, मैं दुआ करती थी अल्लाह मियाँ अगर मुझे ये चीज़ मिल जाएगी ना, मुझे ये मिल जाएगा, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तो मैं चोरी नहीं करूंगी, तो मैं ये नहीं करूंगी, तो मैं वो नहीं करूंगी. छोटा बचपन में क्या ही आपका दिमाग होता, तो मैं अल्लाह मियाँ से ऐसे वादे करती थी. तो उसके बाद अगर मैंने बीच में एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच में अम्मी से कोई झूठ बोल लिया या कोई शरारत कर ली, तो जब दोबारा नमाज पढ़ती थी तो उस वक्त दुआ करते हुए मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी होती थी कि अब मैं किस मुंह से अल्लाह मियाँ से कुछ मांगूं, मैं किस मुंह से अल्लाह मियाँ को कहूं कि अब मुझे ये चाहिए, जब मैंने अल्लाह ताला से जो वादा किया था वो तो मैंने पूरा किया नहीं, झूठ तो मैंने बोल लिया. और इसकी वजह से आहिस्ता 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 करके वो झूठ बोलने की आदत, वो शरारतें, वो अम्मी को तंग करना, छोटी छोटी जो उस वक्त बुराइयां होती हैं बच्चों में, वो मेरी आदतें छूटती गई. अब मैं सोचती हूँ हम जब बड़े हो जाते हैं, जब हमें अक्ल आ जाती है, अल्लाह मियाँ ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है लेकिन हम अक्ल किसी सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करते, तो हम क्यों अपने ऊपर ये चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखते कि जब भी आपने अल्लाह ताला के सामने जाना है, जब भी आपने उसे मुंह दिखाना है, और हर किसी ने दिखाना है, इनएविटेबल है ये, जब भी आप नमाज में जाएंगे तो आप अल्लाह ताला से किस मुंह से कुछ मांग सकते हैं जब उसकी कही भी किसी भी बात पर आप अमल नहीं करते. और छोटी छोटी बातों में कि किसी इंसान का दिल ना दुखाएं, किसी से झूठ ना बोलें, किसी का हक ना मारें, कहीं गलत रिश्वत ना लें, कहीं पर सिफारिशें जो हैं वो ना सुने, सिस्टम को आप करप्ट ना करें, इतनी सारे काम करने के बाद हम अल्लाह मियाँ के सामने जाके कहते हैं अल्लाह मियाँ मैं अगर आज उदास हूँ तो भी तुम्हारा करम नहीं है मेरे ऊपर, और जब खुश होते हैं तो हम भूल जाते हैं. तो आज जुम्मा है, जुम्मे की नमाज मुझे लगता है जो लोग वैसे रेगुलरली नमाज नहीं पढ़ते जुम्मे की नमाज वो भी पढ़ते हैं, तो आज जाइए और आज की नमाज को अपने रेगुलर नमाज की पहली नमाज बना लें, और अल्लाह ताला के सामने जब भी जाते हैं ये सोचा करें कि अल्टीमेटली आखिरत में हिसाब भी जो है अल्लाह ताला ने ही लेना है, और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, अगली दुनिया की थोड़ी सी प्रेपरेशन कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, दूसरों का भी दिल अच्छा करें, हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखें, और ये भी याद रखें कि बाद में आप अपने लिए जो है क्या लेकर जा रहे हैं अगली दुनिया में. तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें रखेंगे ना तो नमाज के बहुत फ़ायदे हैं. सबसे बड़ा फ़ायदा मैं ये भी कहती हूँ कि जो अज़ान होती है, जिस तरह एक इस्लामी दिन को डिवाइड किया गया है पांच हिस्सों में, अगर आप उसके साथ अपना टाइम टेबल सेट कर लें तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही जो है सेट हो जाती है. तो ये आज की एक अच्छी सी बात आपके लिए. आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती चलती हूँ. हमारे साथ होंगी किरण उस्मानी जो कि हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हैं. आज आपको बताएंगी फुल बॉडी वर्कआउट कैसे करना है, किस तरह आपने फिट रहना है. हमारे साथ होंगी शेफ हिना जो कि आज बना रही हैं बहुत ही एक मज़ेदार चीज़, देसी खाने मुझे बड़े पसंद है, हरियाली बोटी बनने जा रही है आज. तो मैं चाहूँगी कि इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो जल्दी से आप लोग लेकर सामने आ जाइए और हमारे साथ साथ खाना बना लें ताकि आपके दिन के खाने से जान छूट जाए. तो हमारे साथ होंगी मिसेस हशमत जो कि करती हैं ट्रीटमेंट बाय फूड. आपके बहुत सारे सवालात, एंड थैंक यू सो मच, आपकी बहुत सारी पॉजिटिव फीडबैक हम तक पहुँचती रहती है. आपके बहुत से सवाल, बहुत सारे मसाइल भी पहुंच चुके हैं. आप कॉल भी कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं और उसके जवाब जो है मिसेस हशमत आपको देंगी. हमारे साथ होंगी निमरा खान जो कि एड्रेस डिज़ाइनर हैं. बात कर रहे हैं हम नेट के और ब्लैक ब्लैक जो आउटफिट्स होते हैं फॉर्मल, किस तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है वो हम आज को बताएंगे. ब्लैक सितारे, सितारा आउटफिट्स, सितारे लगे होते हैं ना वो वाले आउटफिट्स. मेरा सवाल आज आपसे बड़े मज़ेदार सा है. मुझे लगता है बहुत सारे मर्द हजरात जो हैं वो शायद इस पर हमसे बात करना चाहें. सवाल ये है, जस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि पुराने ज़माने की बहू में और आजकल की बहू में क्या फ़र्क है, ये आपने मुझे कॉल करके जो है बताना है. आपको क्या लगता है, मुझे बहुत सारी सासों की भी कॉल आएगी, मैं चाहूँगी बहुएं भी मुझे कॉल करें और बताएं कि क्या फ़र्क है और क्यों है. टाइम हुआ छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं.
सनलाइट से मिले लीमू। पानी पिलाए। वेलकम बैक टू वेक दी मॉर्निंग। पानी पिलाते हैं, असलियत टीवी पे तो नहीं दिखाते ना हम ऐसे हैं, हम तो ऐसे प्रिटेंड करते हैं हम कभी पानी नहीं पीते और हम फुल फुल एक्सरसाइजेस करते हैं ना। एक्चुअली आपने चाय देके मुझे पानी, चाय देके के ले लो आप, आपको दे देती हूं। हमारे साथ एक किरण, हमारी फिटनेस एक्सपर्ट आज के लिए। आज हम क्या करने जा रहे हैं किरण? मैं देख रही हूँ हमारे पास काफी लवाजमात है आज। यस, सुंदर ये आपको बिल्कुल सिंपल एक धंधा नजर आता है अच्छा। लेकिन इसमें कम अज कम 100 to 200 एक्सरसाइज से कम कर सकते हैं। ओ वाओ, फुल बॉडी वर्क का अगर 1 आवर आप सिर्फ इसी को लगा सकते हैं। अच्छा, 1 आवर एक्सरसाइज जो आप करते हैं आपको सिर्फ ये जरूरत है। इसी की जो है ऑल्टरेशंस, जो ऑल्टरेशंस होती हैं जब, लेकिन आपके मतलब वो कहते हैं ना कि जिम नहीं जा सकते, टाइम नहीं है कि ये देखे ये चीज, ठीक है ये आपने जो है ना खरीदनी है। हमारे साथ एक कॉलर भी है। कॉलर से पहले मैं कॉलर के लिए एक बात अनाउंस कर दूं कि आज हमारे जितने भी कॉलर्स हैं जो हमें कॉल करेंगे उनमें से एक लकी कॉलर ऐसा होगा जिसको हम देने वाले हैं गिफ्ट हैंपर। आज हमारे गिफ्ट में क्या है, क्या दे रहे हैं? वाटर फिल्टर देने वाले हैं जी आज हम आप लोगों को। तो आगे गर्मियां आ रही हैं और पानी का इस्तेमाल ज्यादा होने वाला है और वाटर फिल्टर बहुत जरूरी है क्या आपके घर में हो ताकि आप साफ पानी पी सकें। और आज से जो है काफी अरसे तक हम लोगों ने जो है गिफ्ट देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो हमें जितनी ज्यादा कॉल्स आएंगी उतने ज्यादा आप लोगों के चांसेस हैं हमसे जो है लोग वो जीत सके। हमारे साथ पहली कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी मैं बुशरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी बुशरा, कैसी हैं आप? जी ठीक है। मैंने आपके प्रोग्राम के हवाले से कुछ आपको आपकी तारीफ करनी है। जी कीजिए, ऐसी बातों पे, ऐसी नेक बातों में देर नहीं करते। अच्छा, मुझे ये है कि मैं प्रोग्राम देखती हूँ, मॉर्निंग शो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये है कि आप में मुझे एक डिफरेंट ये लगता है कि एक तो आप बहुत हम्बल बात करती हैं और बात सुनती हैं सबकी जो आपके गेस्ट भी होते हैं। थैंक यू। और दूसरा ये है कि देखिए जो भी प्रोग्राम देखते हैं ना उसमें ये डॉक्टर्स हैं वो टोटको वाले हैं, हकीम साहब हैं, देखिए अब मेरा ख्याल में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये सब चीजें देखें। मतलब अब इतना को हो चुका हुआ है कि मेरा ख्याल में सब लोगों ने वो सब चीजें जो है ना वो सेव कर ली होंगी या नेट है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है। बिल्कुल, कुछ लोगों के पास नहीं भी होती, लेकिन ये कि जो भी चैनल है ना वही रिपीट लोग, या तो ना डिफरेंट कोई डॉक्टर्स है या कुछ है तो आपको एक डिफरेंट चीज नजर आए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो एक तो उससे हम बहुत फेड अप हैं और दूसरा ये है कि आपके प्रोग्राम में ये है कि आप कम गेस्ट बुलाती हैं लेकिन हर एक पे फोकस होता है और बहुत ऐसे लगता है कि हम फैमिली मेंबर्स की तरफ आपके साथ बैठे हुए हैं और हम एक एक की बात पे फोकस है और हम वो सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो हमें ये चीज अच्छी लगती है। और दूसरा ये कि ये जो आपका आज का क्वेश्चन है उसके सिलसिले में मैंने आपको बताना है कि ये पहले जमाने की बहू और आज के जमाने की बहू में फर्क क्या है। एक तो ये है कि रिस्पेक्ट की कमी है। कमी है? हाँ जी। आप बहू हैं कि आप सास हैं कि आपकी शादी नहीं हुई? मैं सास भी हूँ और बहू भी। अच्छा जी, दोनों है, ठीक है जी। लेकिन ये है कि देखें जब आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलती भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्यों है आपको क्यों लगता है आजकल की लड़की में क्यों है? बहुएं जो है ना वो मोबाइल बहुएं हैं। सही है, मोबाइल बहुएं जबरदस्त, मेरे हाथ ऑक्यूपाइड है ना, मैं इसमें जरूर ताली बजाती। अच्छा, और कैसे ये है कि जब तक सुबह वो बहू उठ के अपनी माँ से मोबाइल पे आधे घंटे की या घंटे की डिक्टेशन ना ले ले तो फिर उनका फिर वो किस तरह तो माँ भी मोबाइल हो गई तो फिर ये तो मोबाइल माँ भी है साथ में। नहीं, देखिए माँ तो जो है लेकिन ये है कि ये माँ के जमाने में तो ये चीजें नहीं थी ना। बिल्कुल, ठीक है कि नहीं? ये तो बेटी को होता है ना कि जी माँ को कॉल मिलाओ और उनसे डिक्टेशन लूँ, लेकिन उसका अपना जेन भी तो कुछ काम करना चाहिए ना। हाँ। तो क्या लगता है कि ये बेटियां जब सुबह सुबह उठ के माँ को कॉल करती हैं नए घर में जाके तो क्या मशवरा ले रही होती होंगी? नहीं नहीं, देखिए कुछ तो माँ हर एक जैसी भी नहीं होती, लेकिन ये है कि देखिए अगर आपने अपनी बच्ची को अच्छी तरबियत की है कुछ है तो वो तो खैर उसको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी मैंने देखी है, लेकिन ये अब जैसे मैं हूँ तो लकीली माशाल्लाह ये है कि मेरी सास अभी तो नहीं है, लेकिन वो मुझे यही कहती थी कि जब इसकी ये मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं देती तो मैं इसको क्या कहूँ। सो ट्रू।
ये भी है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आप क्या चाहेंगी कि आजकल की बहू में क्या चेंज हो? चेंज का ये है कि देखिए पेशेंस होना चाहिए और रिस्पेक्ट की कमी है। जब आप रिस्पेक्ट और लेके चलेंगे, और दूसरा ये है कि देखिए हर चीज एक दिन में नहीं मिलती, आप सफर करते हैं तो टाइमली सब कुछ आपको अल्लाह ताला वो दे देता है, और आपकी नीयत और आप उस पर जब आप एक एक रूटीन में घर में आए आप फोकस करते हैं या क्या क्या है, जब आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी भी। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। रिस्पेक्ट जो है ना वो एक तो इनबॉर्न होती है थोड़ी सी, कुछ लोगों को सिखाने से भी नहीं आती, तो रिस्पेक्ट जो है, लेकिन एक मैं कहती हूँ सिर्फ एक सास और बहू का रिश्ता नहीं बल्कि हर रिश्ते में जिसमें रिस्पेक्ट नहीं होती वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, वो बहुत जल्दी जो है वो खत्म हो जाता है। इवन फ्रेंड में भी है, सही है, सब में है, सही कह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये किसी भी रिश्ते का। आपको क्या लगता है क्या फर्क है बहू में और सास में आजकल? बहुत वैसे एक बात है, सबसे ज्यादा है ना कि टॉलरेंस बहुत कम हुआ है, और दूसरा ये है कि अंडरस्टैंडिंग कम है, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि या वो मतलब बुजुर्ग है उनकी बात मानना चाहिए। कसम से वाकई जो हमारे जो बुजुर्ग है जो भी है, शायद पेरेंट्स हो चाहे वो है, तो वो कभी भी गलत नहीं कहते हैं। और हमेशा ये आजमा के देखे कि वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कहे कि चलो आपने दुपट्टा कर दिया एक एक हमसे, तो हमें एकदम ऑकवर्ड लगता है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं किया, मैं क्या ड्रेसिंग करती हूँ। आप ऐसे अगर ना भी कहें मुंह में तो शायद वो रूम में जाके ये जरूर करेंगे ये क्या किया। लेकिन अगर मतलब अब वो कर दिया, यकीन करें आपको फील होगा हाँ काश अच्छा किया मैंने इनके बात मान लिया, उनको फौरन उसे दुपट्टे की जरूरत पड़ जाती है। मैं आप कह रही हूँ कि उनकी विजडम है, एक्सपीरियंस है, वो अगर आपको कोई मशवरा दे रहे ऑटोमेटिक उनका बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव हुई होती है, वो बड़े हमेशा अच्छी बात बोलते हैं। अच्छा, इस पे हम जो है ना लंबी गुफ्तगू करेंगे। मैं चाहूंगी मेरे कॉलर्स मुझे कॉल करें और सिर्फ जो है बहुओं का कसूर बीच में ना शामिल करें। मुझे लगता है चेंजिंग टाइम्स के साथ एटीट्यूड थोड़े से चेंज हो जाते हैं। ज्यादातर वर्किंग वुमेन है, अब थोड़ा सा जो है गिला बहुओं को अपनी सासों से ये भी होता है कि वो अपने बेटों की जान नहीं छोड़ती, पोजेसिव होती हैं, शादी हो गई है तो लेट हिम गो। तो ये सारी बातें जो है ना सारे शिकवे हम आपके सुनेंगे, हम वन साइडेड कॉन्वर्सेशन दोनों में स्पेस होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल, अभी अंडरस्टैंडिंग की बात हो गई ना, अंडरस्टैंड करे कि वो क्या है और क्या है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम अगेन फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं। ठीक है, फुल बॉडी वर्कआउट है वही सारी जो मतलब आपकी फैट है, जहाँ भी आपकी फैट्स डिपॉजिट हो रही हैं, ज्यादातर टिमी की होती हैं, तो वो ऑफकोर्स आपकी जो फ्लैट से होती हैं, और मतलब फुल बॉडी के लिए है, जहाँ पर भी आपका फैट है उसको हमने रिड्यूस करना है। स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं। जी मैं आज जो आपको बताती हूँ कि आपने वार्म अप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बॉडी को आपने अगर आपके पास इस तरह के रेजिस्टेंस आपने डंडे के साथ नहीं मिलता, लेकिन आपको सिर्फ ये जो है बाजार में अवेलेबल है, ठीक है, ये इसको कहते हैं रेजिस्टेंट बैंड, राइट। तो आपने सिर्फ रेजिस्टेंट बैंड भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपने आपको बॉडी को वार्म अप जरूर कर दीजिएगा 100 स्किपिंग से। ठीक है, 100 स्किपिंग कर दीजिएगा। अगर स्किपिंग नहीं है, वन प्लेस में आपने रह के आपने फुल बॉडी को रन करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सबसे पहले आपने स्किपिंग करना है, स्किपिंग के बाद फिर आपने बाकी वर्कआउट स्टार्ट कर दें। आज भी ऐसे ही है, तो आपने सबसे पहले 100 स्किपिंग कर देगा, उसके बाद फिर 100 आपने वन प्लेस में आपने जॉग कहते हैं उसको, जो रन कहते हैं, रन कर दीजिएगा। ओके, 100 ये दोनों हो गए तो आपके ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ गए और आपकी वार्म अप हो गए। उसके बाद फिर भी आपको मैं बताती थी हूँ, राइट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर से। ठीक है, शोल्डर वर्कआउट करते हैं। ठीक है, क्योंकि शोल्डर के जो है वो दोनों स्मॉल मसल्स हैं, लेकिन वो उसके वार्म अप से और पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है। ठीक है, शोल्डर प्लस स्क्वाट्स। ठीक है, देखिए आपने शोल्डर स्क्वाट किया, फिर उठ के आपने ऊपर कर दिया। ठीक है, प्रेस 2, 3, ये साथ साथ आपके स्क्वाट भी होते हैं, आपके लेग्स के भी हैं और साथ आपकी शोल्डर की। ये एक हम इसको बिगिनर के लिए भी कहते हैं। ठीक है, बिगिनर या स्टार्टिंग ऑफ एक्सरसाइज की। ठीक है, ये 1, 2, 3,
4, 5, 6 ठीक है, आपने करके मैंने 10 आपको करवा दिया। आपने इसको वैसे स्टैंड होके सिर्फ शोल्डर प्रेस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके ठीक है। आपने विथ 10 जो है आपने स्क्वाट्स के साथ किया और 10 जो है विदाउट, आपने ये आपका शोल्डर का हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको आपने ना क्लोज करके, वैसे अब इसका आपने ना काफ़ी इसका जो बैंड है ना वो आपने शॉर्ट कर दीजिएगा ओके। शॉर्ट करके बैक को बिल्कुल प्लीज स्ट्रेट करना है और थोड़ा सा आपका जो ये नी है आपने हल्का सा, बहुत ज़्यादा माइनर नहीं बैंड नहीं करना है, थोड़ा सा माइनर से बंद करना है, बैक स्ट्रेट। और आपने ये देखिए 1, 2 ओके, मैं एक सेकेंड आपको पूरा दिखाती हूँ ठीक है। बैक स्ट्रेट जैसा आप ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है आपके बैक के लिए, जिनके अक्सर बैक वो कर्व भी है और हल्क से ये लेटस मेर डोर्सी के इस एरिया को लेटस मेर डोर्सी कहते हैं। तो आपने अपना देखें यहाँ ऑलरेडी यहाँ फैट जमी हुई है तो इस पोजीशन के लिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, बिल्कुल सही तरह आपने देखना है ठीक है। वंस अगेन ये देखें, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें ठीक है, ये तो हर तरह की है, आपने शॉर्ट करना है बैक स्ट्रेट और फुल देखें। वंस देखें शोल्डर पे से स्टैंड होना है ओ ये, और देखें आपने 2, 3 बिल्कुल आपका यहाँ पोजिशन में सही हो रही होती है ओके। ये हो गया आपका बैक का ठीक है। नाउ हम अब स्टार्ट करते हैं कि बाइसेप एंड ट्राइसेप के लिए ठीक है। आप बाइसेप के लिए आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि वो कैसे हो। ये देखें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया ओके राइट। थोड़ा सा आपने बैठ के ये देखे, नजर नहीं आएगा ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट ये 1 ओके। प्लीज आपको एक बात बता देती हूँ कि आपका जो ये आपका जो शोल्डर बिल्कुल बैक की तरफ हो और आपका जो ये आर्म है बिल्कुल कानों की तरफ, ये देखे स्ट्रेट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 ठीक है ओके। ये नहीं करना कि आपका जो आर्म है बिल्कुल ओपन हो, ओपन नहीं है ना ठीक है, बिल्कुल क्लोज करना है। ये है इसका मेजरमेंट है, गो डाउन अप राइट ओके। ये आपका पूरा हो गया, मैंने आपको क्या करवाई है शोल्डर बाइसेप ट्राइसेप एंड बैक ठीक है। ये अपर बॉडी हो गया, अपर बॉडी वर्कआउट जो है हो गया। अच्छा ये कहाँ से मिलेगा इन्हें जो भी चाहता है? अच्छा ये जो है ना ये तो ऑफकोर्स मैंने बाहर से मंगाया, लेकिन उनको मैंने बताया है सिंपल ये वाला जो रेजिस्टेंस बैंड मिल जाती है, जो लोग इस्लामाबाद में है वो हल्फते और किसी भी शॉप से मिलती है। तो ये आपको जो है यहाँ से मिल भी जाएगा। टाइम छोटी सी ब्रेक का, किरण कहीं भी नहीं जा रही, हम वापस आते हैं और हम मजीद भी थोड़ी फिटनेस की बात करते हैं। ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा बड़ा आपने हसीन जरा पठान नुमा ड्रेस पहना हुआ है ना, सही कलरफुल, और इसके ऊपर वो एलिमेंट जो होते हैं ना स्पेशली ये जो कलर्स होते हैं ग्रीन और पिंक है ना,
इन ब्लूज, ये जो ब्राइट ब्राइट कलर्स का हमें पहनने का शौक होता है पठानों को, तो थोड़ा उससे भी इंस्पायर्ड मुझे लग रहा है. और हमारे साथ दिया भी है जो कि आज निम्रा का एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस जो है वो मॉडल कर रही है. अच्छा निम्रा, पहले तो बताएं हमने किस चीज के बारे में बात करनी है आज. हम ब्लैक, आज हम ब्लैक आउटफिट्स बताएंगे सितारे में, किस तरीके से आप सितारे वाले फैब्रिक को यूज कर सकते हैं क्रिएटिव डिजाइंस के साथ. और साथ में हम आपको नेट के फैब्रिक पे कटिंग बताएंगे, शर्ट होगा या जो भी आपको हम बताएंगे उसके साथ जो है हम आपको मर्ज करना बताएंगे किस तरीके से जो है हमारे कट्स नेट के कॉम्प्लिकेटेड फैब्रिक के ऊपर बनते हैं. अच्छा ठीक है, मतलब इसके अंदर आप वेस्टर्न स्टाइल्स भी बना सकते हैं, ईस्टर्न दोनों बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं. ठीक, क्योंकि कपड़ा जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा, मुझे मेरे पास भी किस तरह का कपड़ा था बट वो थोड़ा आई थिंक मैट सितारों वाला था, बड़ा खूबसूरत. हाँ डिफरेंट उसमें है, मैट भी है, बहुत ज्यादा शाइनी भी है क्योंकि सितारे का फैब्रिक ऑलरेडी इतना ज्यादा लाउड है और भरा, उसमें कोई चांस ही नहीं है. अच्छा उसके ऊपर काम हो सकता है? काम हो सकता है लेकिन कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फिर बहुत ज्यादा ओवर डन हो जाएगा. और इसकी स्टिचिंग भी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि मशीन होती है, आपके सितारे भी मोटे भी होते हैं, बारीक भी होते हैं, तो बारीक सितारे पे तो इजीली आपकी स्टिचिंग हो जाती है लेकिन जितना मोटा सितारा होगा फिर आपकी सुई टूटेगी. हाँ मुझे पता था ये टेलर जो है ना जैसे ही आपसे किसी चीज की पेमेंट ज्यादा मांगते हैं भाजी इतनी सारी तुम सुइयां तोड़ते हैं. ये बिल्कुल ऐसा ही है और ये रियलिटी में भी होता है. अच्छा जी, होता है सुइयां टूट. हाँ क्योंकि फिर उस जहाँ जहाँ पे आपकी मशीन चलती है वहाँ पे हमने कट लगा के उस सितारे को निकालना पड़ता है. हाँ. फिर मशीन चलती है. ओ. और ये भी देखना पड़ता है कि ये ना हो कि एक सितारा निकाला और पूरा आपका फैब्रिक खराब हो जाए, तो उस चीज को भी देखना होता है. सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुझे याद इतना करते हैं कि मुझे लाइव छींकें आ रही होती है, मैं क्या करूं, है ना, यहाँ बैठे बैठे भी इतनी याद आ रही होती है. मैं एक दफा रिपीट करती चलूं अपने कॉलर्स के लिए कि आज मेरे जितने भी कॉलर्स मुझे कॉल करेंगे आप लोगों के पास एक चांस है जीतने का हमसे वाटर फिल्टर जो कि अपने घर में इंस्टॉल कीजिए और साफ सुथरा पानी जो है वो पिए. अच्छा किरण कॉल आ गई, देखें फौरन से आ गई. हेलो अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं कराची से बोल रही हूँ नौरीन. जी नौरीन कैसी हैं? और आपकी पुरानी कॉलर हूँ. हाँ ठीक है जी, पुराने लोग बड़े पसंद है मुझे. जी आप भी हमें बहुत पसंद है और आपका शो ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर के लोगों से मिल रहे हैं. आप रोजाना हमारे घर में आती हैं, हमें अच्छी बातें बताती हैं और हमारा दिन अच्छा हो जाता है. थैंक यू सो मच. आपके ड्राइंग रूम में बैठे हुए हमें सर. और मुझे दो तीन बातें पूछनी है. जी जी पूछिए. मुझे ड्रेस डिजाइनर से पूछना है कि जून जुलाई में जो शादियां होंगी क्या उसमें हम नेट का यूज कर सकते हैं? नेट के कपड़े गर्मियां होंगी. जून जुलाई में कौन शादी कर रहे हैं पहले मुझे ये बताओ, ये किसने कसूर किया है? अभी हमारे रिश्तेदारों में शादियां हैं, दो तीन शादियां हैं, तो वो जून जुलाई अगस्त इस सब महीने में शादियां आ रही हैं, तो नेट क्या हम नेट के कपड़े पहन सकते हैं उस वक्त अस्तर वाले? और दूसरी मुझे बात, मुझे आपके क्वेश्चन का जवाब देना है कि आप मुझे कराची भेजें गिफ्ट, मुझे बहुत खुशी होगी कराची वालों को गिफ्ट मिलेगा. तो भेज दूंगी, बिल्कुल भेजूंगी. पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब देना. जी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी कि आजकल की बहुएं ज्यादा समझदार हैं और ज्यादा अपना घर अच्छा लेके चलती हैं पुराने जमाने के हिसाब से. क्यों, आपको क्यों लगता है? इसलिए कि आजकल की औरतों के पास, लड़कियों के पास टाइम नहीं होता गइबत करने का, बुराइयां करने का, अपने कामों, अपने कामों में लगी रहती हैं, अपना घर देखती हैं, अपना अगर जॉब वाली होती है जॉब देख रही होती हैं, घर को भी बहुत अच्छा मेंटेन रखती है पहले वाली औरतों से ज्यादा. और उनके पास ये फालतू बातों का बिल्कुल टाइम नहीं होता है. ये बड़ी अच्छी बात की आपने, खाली दिमाग तो वैसे ही शैतान का घर होता है. जी हाँ, कि वो लड़ाई झगड़े करें और सास से ये करें और बहुओं से लड़ाई करें, इसलिए सब जो आजकल की लड़कियां हैं, आजकल की बहुएं ये ज्यादा अच्छी है मेरे ख्याल में. सास और बहू का रिलेशन आजकल बहुत अच्छा है. आई थिंक मैच्योर हो गई है, थोड़ा एक्सपोजर है. और जो जो इंसान बिजी होता है ना, जिसको कोई हॉब जरूरी नहीं कि बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं तो आप बिजी है, जिसको कोई साइड हॉबी होती है, जिसको कोई अपना जो है काम करना अच्छा लगता है सारा कुछ, तो उसके पास नहीं टाइम होता बाकी बैठ के खींचते करने का. बिल्कुल ऐसा है कि नहीं? आई थिंक आजकल अंडरस्टैंडिंग भी काफी ज्यादा हो गई है, लोग मैच्योर हैं और वो डील भी बहुत पॉजिटिवली करते हैं. अब वो घरेलू मामलाज हैं उस तरीके से नहीं रहे जिस तरीके से पहले होते थे. हाँ पहले तो मुझे लगता है कि पूरा दिन आप लड़ाइयां करते रहते थे, फिर वेट कर रहे होते थे बेटा घर आएगा, मेरा मियाँ घर आएगा, तो फिर डिसाइड करेगा कि अब किसकी साइड लेनी है. ठीक है, और उसके ऊपर अल्टीमेटली डिपेंड करता था कि वो आके फिर माँ की साइड ले, यूजुअली यही होता है. हाँ ऐसे ही होता है. और यहाँ बेगम की साइड ले, और उनके लिए कितना डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट होता है कि यार मैं क्या करूँ, एक तरफ माँ एक तरफ बीवी, एक तरफ बेगम, है ना. तो बेचारी बीवी जरा ज्यादा रोंदी जाती है इसमें. माँ की इज्जत करना तो जरूरी है लेकिन जरा सोच लिया करें पीछे ना, इवल सी माँ एक दफा देख ले. लेकिन देखा कि ना आगे ना उनकी तरफ से भी जस्टिफिकेशन की आजकल की बहू ज्यादा अक्लमंद. और आपने बहुत अच्छी बात की, जैसे आपका दिल करे ना मैं बैठ के किसी के साथ गीबत करूँ, अपने आप को बिजी कर लिया करें, है ना. क्यों ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल खामोश है, कोई बात नहीं, आप भी अपनी थॉट्स हमसे शेयर कर सकती हैं. अच्छा बात मैं कह रही थी
हाँ उनका सवाल ये था कि जुलाई में गर्मियों की जो शादी है, पहले तो मत करना ये, लेकिन जो सख्त गर्मियों में अगर जून जुलाई अगस्त में शादियां हो रही हैं तो उसमें नेट पहना जा सकता है, क्या पहना जा सकता है? नेट पहना जा सकता है क्योंकि वो ठंडा फैब्रिक है, अगर उसके नीचे आप लाइनिंग बहुत मोटी नहीं लगाते, वैसे तो नहीं लगती क्योंकि आपकी जितनी अच्छी सिल्क की लगाएं, अटल की लगाएं तो वो उसकी लुक आ जाती है। अब जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लेयर्स लगाएं उसके ऊपर, तो वो आप इजीली पहन सकते हैं। साथ में शिफॉन्स भी अच्छे हैं, वो भी आप पहन सकते हैं। इससे ज्यादा और कोई फैब्रिक आई थिंक बनारसी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि एक तो वो खुद बहुत हार्ड है और उसके ऊपर जब स्टिचिंग होती है उसके नीचे आप बहुत ज्यादा आपकी स्किन के साथ कोई ना कोई तो आपको लगानी पड़ती है उसके नीचे लाइनिंग तो मस्ट है क्योंकि ऑब्वियसली उस पर काम ही ऐसा है, तो वो थोड़ा सा गर्मियों के लिहाज से मोटा फैब्रिक है। वैसे आप नेट और शिफॉन्स वगैरह इजिली यूज कर सकते हैं, नेट और शिफॉन्स यूज करते हैं। अगर कोई छोटा फंक्शन है, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि निकाह है तो उसके अंदर अगर आप इवन अच्छा सा चिकनकारी का सूट पहने वो इतना खूबसूरत लगता है, फुल जो व्हाइट में होता है उसके साथ व्हाइट दुपट्टा हो, इवन रेड दुपट्टा आप ले सकते हैं, कुछ और ऑड कलर का दुपट्टा भी साथ में पहन सकते हैं। दुल्हन तो कभी भी नहीं चिकनकारी का सूट पहनेगी एवर, लेकिन जो दोस्तें अटेंड कर रही है वो ये कर सकती है, कोई भी खूबसूरत सा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ जाती है तो उसमें आपने फिर देखना है कि आपने फ्रेश भी लगना है और साथ में आपका ड्रेस भी बहुत ज्यादा आपको ना तंग करे तो वो इजिली पहन। वैसे तो इतने कोई मसले नहीं, मुझे आई एम श्योर कि एयर कंडीशन हॉल में ही होगा जो भी फंक्शन होगा तो थोड़ा सा बर्दाश्त करके वहां तक पहुंच जाए। फैशन तो आपको पता है कि फैशन के लोग हर चीज बर्दाश्त करते हैं, जब विंटर्स में लोग स्लीवलेस पहन लेते हैं तो फिर गर्मियों में तो वो कुछ भी पहन सकते नहीं, कैसे पहन लेते हैं तो बड़ी हैरान होती हूँ। तो मैं अंग्रेजों पे बड़ी हैरान होती हूँ, ऊपर इतने बड़े बड़े कोट पहन के तो नीचे स्टॉकिंग्स पहनी भी होती है, समझ ही नहीं आती है ना, लोग दे कैन कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग फॉर स्टाइल। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग और सबको जुमा मुबारक। गुड मॉर्निंग टू यू टू एंड खैर मुबारक, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और आपका शो देखकर तो कोई फिट ना भी हो तो वो फिट हो जाता है। थैंक यू सो मच, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। बहुत बहुत खूबसूरत गेस्ट आए हुए हैं हमेशा की तरह, इनको भी मेरी तरफ से सलाम। और मैं क्वेश्चन भी करना चाहूंगी और आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूंगी। मैं ड्रेसेस के हवाले से स्पेशली पूछना चाहूंगी कि थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि बॉडी शेप के हिसाब से जो है वो कौन से पैंट्स जो हैं या ट्राउजर सूट करते हैं, और यानी इस समर सीजन में ट्यूलिप पैंट्स होंगी, सिगरेट पैंट्स होंगी, ट्राउजर टाइट्स, क्या चीज ज्यादा इन है, तो थोड़ा सा ये बताएं। और आपके क्वेश्चन का आंसर भी मैं देना चाहूंगी कि पांचों उंगलियां हमेशा से बराबर नहीं हुआ करती, लेकिन मुझे ये लगता है कि पुरानी जो बहुएं थी वो बहुत ज्यादा साबिर हुआ करती थी, लेकिन आजकल की जो बहू है वो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट और इंटेलिजेंट है और वो जानती है कि दिलों पर राज कैसे करना है और किसको किस तरह से हैंडल करना है। और दूसरी चीज ये कि जो चीज उसको बुरी लगती है वो बड़े तरीके से यानी अगले को उस चीज का एहसास दिला देती है, तो मेरे ख्याल से आजकल की बहू जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो स्मार्ट है कि ओवर स्मार्ट है? आपने कहा ओवर स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि आजकल जैसे बहुओं से कुछ गलतियां या हो जाती हैं अक्सर, तो सॉरी को उन्होंने बड़ा अपना पेट सा एक जुमला बनाया हुआ है, यानी अपनी बात वो जो है कन्वे कर देती हैं, लेकिन उसके बाद एक छोटा सा लफ्ज सॉरी बोल देती है, जी आइंदा नहीं होगा। बिल्कुल, तो उस लिहाज से मैं कह रही हूँ कि ओवर स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है जी, सॉरी को अपना पेट वर्ड बना लिया, कुछ हो गया तो क्या। अक्सर जो लोग बहुत ज्यादा सॉरी कहते हैं ना उनको फिर कहा जाता है सॉरी का मतलब पता है? सॉरी का क्या मतलब होता है कि आइंदा अगर बार बार करना है तो सॉरी करने की क्या जरूरत है? आई थिंक सॉरी एक ऐसा लफ्ज है जो मेल्ट कर देता है चीजों को, है ना, एट द एंड। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन चले कुछ कोई रिमोर्स तो है ना, कुछ लोगों को तो सॉरी कहने की भी जरूरत नहीं होती है ना? कुछ लोग तो उसको नहीं बोलते और ना बोलने से बेहतर है कि आप कोई बोले तो कुछ तो अना में फिर वो और भी ज्यादा तब चढ़ती है कि तुमने कसूर के ऊपर से सीना जो रही है ना कि कोई सॉरी भी नहीं बोलना। अच्छा इनका सवाल ये है कि इस सीजन बॉडी शेप के लिहाज से बता दीजिए कि कौन सी पैंट्स इस सीजन ट्यूलिप शलवार्स इन नहीं है, बबल पैंट्स हैं जो कि हम आपको बनाना सिखाएंगे, कॉटन में है वो, और कॉटन में चूंकि उसकी प्लीट्स भी बहुत अच्छी आएंगी और उसका फॉल भी काफी अच्छा होगा, तो वो हम बनाना सिखाएंगे, वो काफी इन है, आप छोटी शर्ट्स के साथ पहन सकते हैं, दुपट्टे के साथ आप इजीली एक प्रॉपर ईस्टर्न लुक कैरी कर सकते हैं। साथ में बॉडी शेप में ये है कि आप जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा हेल्दी है, लोअर अबडोमिनल जिसका बहुत हेल्दी है, तो वो बहुत ज्यादा फिटिंग वाली पैंट्स ना पहने और उनके साथ शॉर्ट शर्ट्स भी ना पहने, क्योंकि आप ऑब्वियसली फिर आपकी बॉडी शेप ज्यादा विजिबल होगी। आप थोड़ी सी लॉन्ग लेंथ पहने, नी से थोड़ा सा ऊपर एक दो इंच की ऊपर शर्ट पहन लें, इवन अगर वो आपका कोई ड्रेस शर्ट भी है, क्योंकि आजकल लॉन्ग ड्रेस शर्ट्स भी चल रही हैं फ्लैपर ट्राउजर्स के साथ, इवन वुड कट ट्राउजर्स के साथ भी चल रही हैं, तो वो बहुत ज्यादा फिटिंग में ना जाएं।
अगर आपने फिटिंग रखनी भी है, इवन अगर आप ऊपर से भी हेल्दी हैं, तो आप सिर्फ शोल्डर से बस तक की फिटिंग रखें, उसके बाद नीचे लूज छोड़ दें। आपकी सारी आजकल रेडीमेड चल रही है, और इवन लोग उसमें भी बहुत ज्यादा फिटिंग कर रहे थे। फिटिंग्स तो वैसे भी आजकल इन नहीं है वैसे। आप देख लीजिए, जितनी भी आपकी प्रेट की शर्ट्स हैं हर मार्केट में जो अवेलेबल है, वो फिटिंग में नहीं होंगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट एक उसमें होगा। आपने फिटिंग की ऑप्शन है आपके पास, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट ही अच्छी लगती है। समर्स में फिटिंग नहीं अच्छी लगती पहनी भी, क्योंकि ऑब्वियसली आप गर्मी इतनी ज्यादा और आप चाहते हैं आप थोड़ा सा खुला भी फील करें और स्टाइलिश भी फील करें, तो उसमें आप ये कि स्ट्रेट शर्ट्स के साथ जाएं, स्ट्रेट शर्ट्स के साथ जाएं। और जो इन्होंने फिटेड वाली बात की, प्लीज चाकू वाली अगर आपकी कमीज हो, हाँ। तो आज देखें ना, मेरी चाकू के बगैर कमीज है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। वो तो आप जैसा जो आपका बॉडी फिजिक है वो इजीली कैरी कर लिया है, लेकिन अगर थोड़े से जो हेल्दी है फिर ऑब्वियसली पीछे से आपका ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, बिल्कुल जो है ना, फिर आप एक शेप जो है ना बॉटल टाइप बन जाती है। तो अगर आप चाकू के साथ कमीज करें वैसे बड़ी खूबसूरत, और शलवार एवर ग्रीन, मैं कहूंगी जो मर्जी जितनी भी पैंट्स आ जाए ना, बबल बुबल जो भी हो, आजकल शलवार के पांचा थोड़ा सा उन्होंने खोल दिया है और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरीज चल गई है, डिफरेंट आपकी बर्ड्स होते हैं, डिफरेंट फ्लोरल एम्ब्रॉयडरीज चल गई है, और वो आप प्लेन शर्ट्स के साथ पहने तो आप इजीली काफी अच्छे कैरी कर सकते हैं उस चीज को। अच्छा, मैं निम्रा से एक सवाल करूं। हाँ, हाँ, वो कहते हैं ना पतियाला शलवार, उसका भी है मतलब फैशन इन आउट होता है या पतियाला इन है, क्योंकि उनका घेर जो है ना काफी और उन्होंने बढ़ा दिया आजकल जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें, कि पटियाला इज ऑलवेज इन, क्योंकि वो आप बहुत से लोग अभी भी पसंद करते हैं उसको पहनना, तो मेजोरिटी जिस चीज को पसंद करती है वो तो इन ही होती है। जहां तक बात रही बबल पैंट्स की, ट्यूलिप की, वो एक स्पेसिफिक लोग हैं जो कि वो कैरी कर सकते हैं। मोस्टली जो लोग हैं, जो देसी लोग हैं, वो पटियाला शलवार इजीली कैरी कर सकते हैं। इतना पसंद था वो ट्रेंड छोटी शर्ट और पटियाला शलवार, पता नहीं क्यों चला गया, बड़ा पसंद था। अब वो दोबारा आ रहा है। एक तो वो वाली पैंट्स भी है ना, मुझे बहुत जहर लगती है, वो जो हैरम पैंट्स टाइप नहीं होती, बिल्कुल उसके नीचे से फिटिंग नहीं होती, ऊपर से वो होता है फ्लेयर होता है, फ्लेयर नीचे से यूं करके होती है और ऊपर से फ्लेयर, नीचे से मोस्टली कफ्स होते हैं, बटन्स होते हैं। या आपका किस चीज के साथ अच्छी लगती है, मतलब आप मूवीज शूवीज में देखो तो वो टी शर्ट्स के साथ भी लोग कैरी कर लेते हैं, लेकिन मुझे तो वो ना कमीज के नीचे अच्छी लगती है। वो बेसिकली बहुत स्मार्ट लोगों का आउटफिट है। स्मार्ट नहीं, आप स्मार्ट है, यू कैन इजीली वेयर। मोस्टली लोग उसे बहुत डिफिकल्ट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन करके कैरी कर सकते हैं, कॉलर शर्ट्स के साथ भी करते हैं वो। तो उसमें ये कि आप घर में भी पहन सकते हैं, आप ऑफिस में भी पहन सकते हैं, लेकिन वो ये बहुत ज्यादा स्टाइलिश बाहर ना पहन के स्टाइलिश लुक में आ जाता है ना, उसको कैरी करने के लिए ना आपको कॉन्फिडेंस भी कॉन्फिडेंस चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, टाइम एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको इस स्टाइल के बारे में बताएंगे, हमारी रेसिपी भी स्टार्ट होने वाली है और हमारे पास मिसेस हशमत भी आने वाली है, तो आपने कहीं नहीं जाना। मॉर्निंग, हम हैं अपने किचन में शेफ हिना के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी हसीन लग रही हैं आप। थैंक यू। ये यासमीन आप ही का कमाल है ना, आप आके जो है ना मेरी लाइट स्टील, लाइम लाइट स्टील कर लेती हैं। नहीं, हम नहीं करते, आपकी जगह हम कभी ले नहीं सकते। ये मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है ना, आज ये यासमीन आप ही ने काफी सफीना मेरे ऊपर ज्यादा अच्छी मेहनत करती है, बस यहाँ पे लड़ाई कर लेते आज हम सफीना के आधा आधा कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं। यास्मीन आप भी बहुत 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 ज्यादा स्वीट है, बहुत क्यूट है, और मैं अक्सर जो हूँ ना यहाँ पे शुक्रिया अदा करना भूल जाती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा क्यूट है और वो बहुत बहुत प्यार से करती है, वाकई में बहुत मेहनत से, बहुत ज्यादा प्यार से करती है। तो अभी बाल बनाते हुए उनको वही टेंशन थी कि बाल सही नहीं बन रहे, कुछ सेट हो जाए। बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे बने जी, बिल्कुल। ये उनका ही कमाल है, उनको थैंक यू करना चाहिए। यास्मीन आप ही को सही ढेर सारा थैंक यू, मुझे सफीना नाराज हो कल से, कल से बंद फिर है ना। अच्छा, हम क्या बना रहे हैं आज? आपकी फेवरेट देसी आइटम है, ठीक है, हरियाली चिकन बोटी। बहुत सारे लोगों को पहले से शायद पता भी होगा, शायद कुछ को नहीं भी पता हो, और ये वही लवाजमात है जो हमेशा मैं एक जुमला बोलती रहती हूँ कि आपके घर की चीजें हैं, तो ये जो आप सामान इस्तेमाल करेंगे ये वही सब सामान है जो आपके किचन कैबिनेट के अंदर अवेलेबल होता है। जैसे इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको पहले बताऊँ, चिकन है, इसको मैंने इसका स्ट्रिप्स में काटा हुआ, उसकी वजह ये है कि मैं इसको लगाऊंगी इन बैम्बू शूट्स पे, स्कीवर्स के ऊपर, ठीक है। वो इसलिए चलो अच्छा प्रेजेंट होता है प्लेट में, अच्छा लगता है, गेस्ट आ रहे हैं आपके तो ये दिखने में खूबसूरत लगता है। आप इसको विद बोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोन वाली जो चिकन होती है वो लेके, मेहमान ज्यादा है तो वो भी बन सकता है, अगर आपने उसको
पूरे अंगीठी पे बना रहे हैं फिर तो वो उस पर ही अच्छी लगेगी। और अगर बच्चों को देना है, लंच बॉक्स में देना है या गेस्ट आ रहे हैं वीआईपी है, तो फिर आप इस तरह से उसको क्यूब में या स्ट्रिप्स में कर लें। ठीक है, तो ये मेरे पास है हाफ के जी। इसके साथ जो मेन अब जो लवाजमा जो मैं ग्राइंडर के अंदर डालूंगी वो ये है हरा धनिया, ये आपको नजर आ रहा है एक कप के करीब है। ठीक है, इतना ही पुदीना है, ये दो मेन चीजें हैं। इसके साथ ये हरी मिर्चें हैं जितनी आपको स्पाइसी रिक्वायर्ड है। ठीक है, चूंकि ये हरियाली है तो हरी हरी है इसलिए ये तीन हरी चीजें हो गई। अच्छा, उसके अलावा ये लहसुन और ये अदरक, ये तो आपको पता है पाकिस्तानी आइटम्स में खानों में लाजिम है, जरूरी है। ठीक है, ये है लेमन जूस, थोड़ा सा डालेंगे ताकि ये अच्छा सा इसके अंदर टेस्ट खटास दे दे। ठीक है, अच्छा उसके अलावा आपको जीरा और धड़ा मिर्च और नमक, ये तीन नजर आ रहे हैं। आप देखें कितनी कम सी चीजें हैं, ये फैलाई हुई है इसलिए आपको बहुत ज्यादा लग रही होंगी। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है मैदा और दही। दही तो आपको पता है मैरिनेशन में यूज होगा थोड़ा सा, लेकिन आप कोशिश करें कि दही का पानी निकला हो, थोड़ा ज्यादा गाढ़ा हो। ठीक है, और जो ये फ्लावर है ये एक आप कह रहे हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, अगर आपका ये तो हमने बता दिया, ये हम बता देते हैं, हम नहीं है ना, इसलिए कि इतनी मेहनत से जब आप कोई चीज बनाते हैं तो फिर थोड़ी सी ऊंच नीच हो तो फिर आप कहेंगे कि हिना ने ठीक से नहीं बताया, या कोई गड़बड़ हो गई है, ये सही नहीं है, या इन्होंने कुछ छुपा के इस्तेमाल किया है। तो ये जो छुपा हुआ आइटम है ये इसलिए रखा है कि अगर ये थोड़ा सा पतला हो जाए आपका बैटर, थोड़ा सा इसको आप उसके ऊपर छिड़क लें ताकि वो अच्छे से कोट कर ले। और बेहतर ये है कि आप काइंडली ये पहले से ही बना के इसको मैरिनेट करके रखें ओवरनाइट कम से कम, ताकि ये टेस्ट इसका अच्छा आ जाए। ठीक है जी, हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुंदर साहब, मैं बहुत खुश हूँ आज आपकी कॉल लग गई। हाय क्यूट, थैंक यू, आपको इतनी खुशी होती है हमें कॉल करके, भाई मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग होती है बात सुन के, लेकिन आपकी आवाज़ सुन के मुझे लगा जैसे आप रो रहे हो। रो रो के कॉल लगी है, इतनी मुश्किल से रुला दिया हमने, बड़ी दुखी है। अच्छा, मुझे आज मैं बहुत खुश हूँ भाई, अल्लाह आपको इतना ही खुश रखे हमेशा। अच्छा मुझे बताएं जो हमारा सवाल है आज का, कि आजकल की बहू में और पुराने जमाने की बहू में क्या फर्क है, क्या कहेंगी इस बारे में? जी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी ये कि पहले जमाने की जो बहुएं थी ना वो बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी, वो बहुत अच्छी थी, जबान नहीं लड़ाती थी, आगे से जवाब नहीं देती थी, चुप हो जाती थी, कहती थी अल्लाह का करना है सही हो जाएगा। लेकिन आजकल की जो बहुएं कहती हैं अल्लाह तो करेगा करेगा, पहले मैं क्यों ना बोलूं। अच्छा चुप नहीं करती है? नहीं चुप नहीं करती हूँ। तो आप क्या, आपका क्या मशवरा होगा? आपकी बेटियां हैं? जी मेरी बेटी भी है, मेरा बड़ा बेटा 8 साल का मेरा बेटा है, मेरी जैसे 6 साल की मेरी बेटी है, जो अच्छा। सबसे छोटा बच्चा वो 4 महीने के। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आप अपनी बेटी की क्या तरबियत करेंगी, मतलब आप उन्हें क्या बात समझाएंगी कि जब उनकी इंशाल्लाह आगे जाके शादी होगी कभी तो वो तो क्या कहे, जब अगर सास उन्हें ऐसे मिल गई। मेरे वालिद साहब ने जब मेरी शादी हुई मेरे वालिद साहब ने मुझे एक ही बात बोली, बेटा बड़ा दिल करोगी तो आबाद रहोगी, और मैंने की है। हर प्राय घर में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह करते हैं इंसान अगर थोड़ा सा सब्र शुक्र से काम लेना तो सारी चीजें अच्छी है, सब्र शुक्र से काम ना ले तो कुछ भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये तो जिंदगी के हर मोड़ पे ही सब्र शुक्र से काम लेना चाहिए, सिर्फ रिश्तों में नहीं ऐसा ही। अभी मेरी देवरानी की शादी है, मेरी शादी के माशाल्लाह से 10वां साल है मेरी देवरानी की शादी का, अभी तीसरा महीना स्टार्ट है, उनकी डिवोर्स हो गई है सिर्फ जुबान की वजह से। अरे ये तो खैर किस्मत के खेल है ये अल्लाह मियां के जो है ना। मैं कहती हूँ उनको ना अगर देखें, मैं कहती हूँ ना अपनी माँ भी जो होती है ना वो भी कुछ ना कुछ बोल देती है, इंसान ये बात सोचे ना कि अपनी माँ भी समझाती है। बिल्कुल, लेकिन इंसान थोड़ा सा अगर ये सोचे ना कि मैं अपनी माँ को मैंने छोड़ दिया ये भी मेरी माँ है, तो फिर अल्लाह के से सब्र खुद ही आ जाते हैं, मैंने भी बहुत बर्दाश्त की है। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रही हैं, और आपने एक बात बड़ी अच्छी की कि वैसे तो ये मैं कहती हूँ किस्मत के खेल है और जो अल्लाह ताला चाहे उसको आप टाल नहीं सकते हैं, हर चीज में कोई ना कोई बेहतरी होती है, लेकिन जब आपका कोई भी रिश्ता हो, मुझे लगता है सिर्फ ये मियाँ बीवी के रिश्ते में नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी रिश्ता हो उसके अंदर बदकलामी जो होती है या अगर इज्जत निकल जाए उसमें से, रिस्पेक्ट खत्म हो जाए, रिस्पेक्ट खत्म ही हो तो फिर कहते हैं ना जुबान चलाना है या बुरी बात करना है, हाँ रिस्पेक्ट खत्म तो मोहब्बत खत्म, फिर बदकलामी होती है, फिर जुबान चलती है, फिर अल्लाह ना करे हाथ चलते हैं, फिर उसके बाद क्या ही रिश्ते में रह जाता है। तो ये इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए, ऐसा ही है। मैं जो हूँ अभी आपसे भी पूछूंगी कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, पहले एक और कॉलर जो है वो हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुंदर, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रिहाना, आप कैसी हैं? बहुत अल्लाह का शुक्र, और सब मेहमानों को बहुत अच्छी प्यारी सी गुड मॉर्निंग महकती हुई,
महकती मॉर्निंग जी आप सब लोगों को भी, ठीक है, गुड नी महकती सबको, सब मेहमानों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, हम हमारे सवाल का जवाब देंगी। हाँ आपका सवाल यही है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो मुझे बताएं ना फिर उसका ओपिनियन क्या अच्छा नहीं होगा बहुओं के बारे में या कहेगी। देखिए ये तो जमाने के ऊपर डिपेंड करता है, पहले का था उस वक्त भी दोनों रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे थे, आज का जो जमाना जा रहा है जिस तरह की टेक्नोलॉजी है जो आज का है उसके हिसाब से आज के जो रिलेशन है वो भी उसी के हिसाब से चल रहे हैं। बिल्कुल, मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। देखिए अगर ये देखिए इंसान के अपने सोचने के ऊपर डिपेंड है आप इस रिश्ते को कैसे ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो क्या करना चाहिए, मतलब आपकी एक मॉडर्न बहू के लिए एडवाइस क्या होगी? देखिए दोनों को स्पेस दें, दोनों को स्पेस दें। हाँ देखिए कोई चीज आप, अब कोई चीज भी आप मामूली सी कोई चीज घर में लेके आते हैं ना तो पहले उसके लिए जगह नहीं बनती, आपको अच्छी लग रही है आप ले आए हैं लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी सेटिंग बन जाती है घर में, ठीक है ना। तो एक ये इंसान है वो नए माहौल से आया है, वो उसके लिए ये सब नया है, नए लोग हैं, नई सब चीजें हैं, वो उसको थोड़ा सा जगह दें सोचने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए कि क्या माहौल है इस घर का, क्या लोगों की सोच है, क्या तरीका कार है घर का। तो एकदम से हम लोग अपनी जो चीजें उनके ऊपर जबरदस्ती अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो बिगाड़ वहीं से पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि आपको थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ी स्पेस देनी पड़ती है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, थोड़ा मोल्ड करना पड़ता है अपने आप को, है ना। दोनों को सही कह रही हैं आप, ये बहुत अच्छी और बड़े पते की एडवाइस है। हम ब्लेम गेम तो खेल ही सकते हैं कि आपका कसूर है आपका कसूर है, लेकिन दोनों जब अपने मिजाज में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव लेकर आएंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकेंगे, है ना। सही कह रहे हैं, और अगर बिल्कुल किसी की बात नहीं सुननी ना तो पसंद है तो ग्राइंडर चला दो, बुरी वाली बात आपको सुनाई नहीं देगी, वो ग्राइंडर में दब जाएगी और आप एक सुघर बहू भी रहेंगी क्योंकि आप काम करते हुए आपने बात नहीं सुनी है ना। लेकिन खुश कोई किसी से नहीं होता इस दौर में, इसलिए बस खामोशी अच्छी चीज है। क्या कहते हैं, सॉरी, खुश कोई भी नहीं होता, बस खामोश हो जाना चाहिए। खुश कोई भी नहीं होता, खामोश होना चाहिए। डायरेक्टर साहब ने भी जो है ना उन्होंने कान में कह दिया खामोश हो। नहीं नहीं खामोश होने, मुझे कहा कि बहुओं को जो है ना ज्यादा नाराज ना करें, वरना वो किचन में अपना गुस्सा निकालती हैं फिर इसके अंदर 6 के बजाय ना 12 मिर्चें डाल देंगी, है ना, और उसके बाद वही चीज जो है ना प्यार से आपको सर्व कर दी जाएगी। अच्छा जी, ये हम लोग इस वक्त हमने इसमें सारा कुछ ग्रीन डाल दिया, ग्रीन डाल दिया। सुंदर, आपके पास अगर घर पे हरा प्याज हो, शिमला मिर्च पड़ी हुई है, आप वो भी डाल सकते हैं क्योंकि ये चूंकि ग्रीन है तो इसमें सब चीजें ग्रीन ऐड हो सकती हैं। ठीक है ठीक है, अब ये ग्राइंड हो गया है बिल्कुल ऐसे जैसे आप चटनी बनाते हैं ना घर पे पुदीने की, तो आप ये वही कर, उसी को ही कह सकते हैं कि ये वर्जन उसी का ही है। ठीक है, अच्छा इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसके साथ, चूंकि सारी चीजें ऐड हो गई हैं, स्पाइसेस आपकी मर्जी से है, प्लीज बच्चों के लिए तो मिर्चों का इस्तेमाल कम ही करें तो अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे स्टूडियो में कोई मिर्च नहीं, बच्चे नहीं है तो हम मिर्चें डाल सकते हैं। खुशबू खुशबू अरोमा इतना खूबसूरत, आपकी मर्जी की चीज है ना इसलिए आपको पसंद है। अच्छा थोड़ा सा इसमें हम योगर्ट डालेंगे। ठीक है, मुझे अभी से पसंद आ गया, मैं इसके अंदर चिप्स भी लगा के खा सकती हूँ। बिल्कुल अपने आज इसका मसाला है ना, इसके अंदर आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल और लेमन जूस डालेंगे। ठीक है, हमने अदरक लहसुन भी कैसे में डाल दिया, हाँ सब कुछ इकट्ठा किया था मैंने, थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर दोनों डाल दिए थे इसमें, नमक, धड़ा मिर्च, जीरा, वो सब ऐड किया उसके अंदर। उसके बाद ये आपके सामने ही है लेमन जूस, ऑयल और ये जो दही है ये आखिर में। ठीक है, लेमन जूस जरा अच्छा थोड़ा सा अंदर तक टेस्ट चला जाएगा इसके साथ। ठीक है, अब ये चिकन इसके अंदर मैरिनेट करके रख दें थोड़ी देर के लिए, कोशिश करें कि पहले से ही बना के रखें ताकि जायका अंदर तक जाए। अच्छा जो बोन वाली होती है ना उसके साथ बहुत मजा टेप कर, हाँ मैं अक्सर तो मेकअप रूम से बोले आती हूँ रबर बैंड तो वो उससे उतरता नहीं है। ठीक है, अच्छा हम तो मजबूर है ना यहाँ पे, हमने जो जल्दी जल्दी काम करना है, लेकिन ना प्लीज मैरिनेट करके रखा करें थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कम से कम भी 2 घंटे तो लाजमी रखें तो जायका तो अंदर जाए ना, इसके अंदर तक जो है ना वो चीज चली जाए, टेस्ट चला जाए। सही, इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं, 2 मिनट छोड़ते हैं, थोड़ा सा तो इसके अंदर जायका जाए ना। और आप मुझे बताइए जो मेरा आज का सवाल है, क्या कि आजकल की बहू में और पुरानी बहू में क्या फर्क है? पहले बताएं आप अपने आप को पुरानी बहू कंसिडर करती हैं आजकल की बहू? मैं बीच में ही हूँ,
है ना, मैं दरमियान में हूँ, मैं 80s के दौर की, मैं थोड़ी दरमियान में आ जाती हूँ, दरमियान में आ जाती है। लेकिन पता है क्या सुंदर, फर्क कोई भी नहीं है, कोई फर्क नहीं है। पहले भी तो देखें, पहले लड़ाइयाँ भी होती थी, पहले भी लोग प्यार से रहते थे, अभी भी वही हाल है। अभी थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, थोड़ा सोशल मीडिया फास्ट हो गया है, तो इसलिए हर चीज ज्यादा नजर आती है। मुझे लगता है अब लड़ाई के टॉपिक होती थी, लड़ाई के टॉपिक्स बदल गए। पहले भी बहुओं को लोग जला देते थे, अभी भी जलाते हैं। पहले भी एक घर में सब मिलके रहते थे, अभी भी रहते हैं। तो डिपेंड आपके अपने ऊपर भी करता है। सास को भी अच्छा होना पड़ता है, ये नहीं आप सारा क्रेडिट बहू को ही देते, जी बहू ठीक नहीं है तो सास का भी तो कहीं ना कहीं रोल है ना। नहीं नहीं, टू वे रोड है भाई, रिश्ता बिल्कुल ऐसे ही है, दरमियान होता है, अकेले नहीं चल सकता आपका, नहीं होता। आजकल मुझे लगता है जरा ना बात पब्लिक जल्दी हो जाती है, बहू को गुस्सा आता है जाके सोशल मीडिया पे ना कुछ ना कुछ स्टेटस लिख देगी, लड़ाई हो गई, पैसिव सा ना कोई वहां पर स्टेटस आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक में जो है हम इसको स्क्यूरस पे लगाएंगे और उसके बाद आपके सामने आके इसको जो है हम तैयार, और उसके बाद ये पैन के ऊपर हम इसको ग्रिल पे रखेंगे आपके सामने, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। यहाँ पे जो है ना हाइजीन की बात हो रही होती है कि मैं ग्लव्स पहन लूँ, और मैंने कहा तू रहने दो ना, क्यों पहन रहे, कोई बात नहीं, घरों में तो कोई नहीं पहनेगा, लेकिन टीवी पे जरूर सब कहेंगे वो इसने ग्लव्स नहीं पहने हैं। साफ प्रॉमिस में इनके हाथ धुलवाती हूँ यहाँ से पहले, शफू के हाथ पाक साफ होते हैं, है ना। और आधा टेस्ट तो आता है आपके हाथों से भाई, क्या मतलब ग्लव्स पहन के, वरना तो फिर हम आटा भी इससे गूंदे। अच्छा जी बताए क्या। अच्छा सुंदर, ये जो हमारे पास बैम्बो शूट्स हैं, स्कीवर्स हैं, ये मिल जाती हैं बाजार में आराम से मिलती हैं, ये बर्तनों वाली दुकानों पर जितनी भी है। अच्छा इस तरह से चूंकि मैंने इसको स्लाइस में कट किया हुआ है, तो मैं इसके अंदर ऐसे कहते ना पिरो देना, थोड़ा सा पिरो दूंगी, ठीक है ताकि जब ये इस तरीके से सेट हो जाएंगी सारी लगा के, और उसके बाद हम इसके ऊपर ग्रिल पे करेंगे। आप क्यूब में काट लें। अब ये जो पेस्ट आपका बच गया ना, इसको जाया ना करें, इसको आप बॉइल्ड राइस में डाल दें, हरे से चावल बन जाएंगे आपके मजेदार से। इसके इसको आप सालन में इस्तेमाल कर लें, कोई चीज जाया ना किया करें, वही चीजें बार बार इस्तेमाल हो जाती है, बड़ी महंगाई है और चीजें बड़ी महंगी हो गई हैं आजकल। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। मुझे मिसेज हशमत से क्वेश्चन करना था। जी जी आप मुझे क्वेश्चन मैं बता। जी जी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको जो फ्लू हो जाता है तो उसके हम क्योर कैसे कर सकते हैं? मेडिसिन तो ले नहीं सकते ऐसे, तो किस तरह इसको क्योर किया जाए? और आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी सुंदर। मेरे ख्याल से तो दोनों तरफ से रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और जब एक लड़की शादी हो के आपके पास आती है किसी भी घर में, तो उसको छोटी छोटी चीजों पे अप्रिसिएशन जरूर देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, अच्छी बातों को अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल जरूर करना चाहिए, और उसको एनकरेज करना चाहिए, कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। और अच्छी आजकल की बहुएं भी अच्छी हैं, रिस्पेक्ट करती हैं, बिल्कुल हम भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ पहले वाले लोग रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल रिस्पेक्ट बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। और अरे मैंने सवाल पूछना था, चले कि मैं तो पूछने वाली थी, अगर थोड़ी सी डांट पिट जाए कभी सास से तो क्या बहू को भी थोड़ा दरगुजर कर देना चाहिए? ये उसके ऊपर फॉलो कर देना चाहिए ना, फेसबुक के ऊपर जाकर कर देना चाहिए? नहीं कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, कभी अगर हो जाता है, उंच नीच तो हर जगह होती है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ इट्स अ टू वे रोड, रिश्ता जो है ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं हर रिश्ते में, तो एक को जो है अप्रिशिएट भी करना चाहिए, दूसरे को थोड़ा बर्दाश्त भी करना चाहिए, और दोनों को एक बैलेंस जो है वो रिलेशनशिप। परफेक्शन तो कहीं पे भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये हम स्क्यूअर्स में लगा रहे हैं, उसके बाद और इसके बाद जो है हम इसके ऊपर हम बनाएंगे। अच्छा आपके अगर आप चाहते हैं कि आप इसको बारबेक्यू नहीं करना चाहते, ऑयल में नहीं करना चाहते, आप इसको ओवन में बेक कर लें, ठीक है 10 मिनट 5 मिनट 7 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, चिकन वैसे ही बहुत जल्दी हो जाता है। और अगर आप बारबेक्यू करना चाहते हैं बारबेक्यू कर दें, पैन में बना लें, आपके पास ये नहीं है आप तवे पे बना लें, इवन आप देशकी के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने बस पकाने का आपको तरीका होना चाहिए कि इसको आपने कैसे बनाने, बड़े मजे की ये लगती है, हम इसके ऊपर बनाएंगे, हमारे पास ये अवेलेबल है इसलिए, ठीक है। वरना इसके अंदर आप हल्का सा अगर इसको सालन टाइप भी बना लें तो भी हाँ, मजे का लगेगा, बहुत अच्छा। इसमें थोड़ा सा दही डाल लें, और जैसे मैंने आपको कहा ये बच के ना, तो इसको आपने जाया नहीं करना,
आप इसको राइस में इसको डाल लें तब भी हरे हरे से चावल बन जाएंगे और इसी को आप सालन के तौर पे इस्तेमाल कर लें, इसमें थोड़ा दही और ऐड करें, थोड़ा सा प्याज सौते करके इसको डालें। इसको तो मैं ही घर ले जाऊंगी, मुझे लगता है मैं अपने ही ना बोनलेस चिकन को इसमें फ्राई कर लूँ तो मेरा सालन भी बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। ये बहुत होगा ना, बहुत है, बहुत है। इवन आप इसके अंदर फिश भी लगा सकते हैं, वो भी कितने मजे की लगेगी, फिश बहुत अच्छा। इसको हम जो है सबसे हमारा जो है ना पेड़ा वाला सबसे पहले हमने बुरा पेड़ा इतनी हमने अच्छी अच्छी उसको जो है ना सेटिंग की है और अच्छा, पहले वाली थोड़ा सा पेड़ा हो गया। ठीक है जी, ये इस तरह आपने फ्लैट इसको इसके ऊपर, क्योंकि ये फ्लैट है ये फटाफट हो जाएगा ना, जबरदस्त जबरदस्त। चलें जी, ये भी हमारे इसके ऊपर लगे। मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारी बहुत ही प्यारी सी हसीन सी एवर ग्रीन सी मिसेस हशमत को यहाँ पर। वालेकुम सलाम, सुंदर की हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो कॉल आई गई है मिसेज में, तो मैं वही सवाल पूछ लेती हूँ। सवाल पे मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर प्रेगनेंसी में फ्लू हो जाए तो हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी में कोई मुख्तलिफ किस्म का फ्लू होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे क्योर किया जाए? वो कह रहे मेडिसिन आप कोई नहीं ले सकते प्रेगनेंसी में। क्यों नहीं ले सकते? मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन अगर ना लें तो अदरक अनार का छिलका और दालचीनी, ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। अच्छा, और एंटीसेप्टिक एंटीवायरल, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक तो है, तो आप दो दो इंचे ले लें, तीन कप में उबाल लें, शायद मिक्स करके दिन में तीन चार बार पी लें, इंशाल्लाह आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी जो फ्लू होता है वो अपना टाइम लेके निकलता है। और जब आपको फ्लू या खांसी जुकाम हो तो आप ज्यादा प्रोटीन लें, जैसे बॉयल्ड एग हो गए, देसी मुर्गी की यखनी में ज्यादा प्याज और बंद गोभी डालें तो आपका सीना बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और आपके जुकाम और खांसी को एकदम बंद नहीं करना चाहिए। अच्छा। उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो अपना टाइम पूरा करता ही है। और अगर हम एकदम इसको बंद कर लें तो साइनस का खतरा होता है, अंदर जमा हो जाता है और साइनस बिल्कुल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, फिर वो जो यहाँ पे दर्द होती है और साइनस ब्लॉक्ड होते हैं, इसको निकाल देना चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए। मैम ने बताया है ना, तो वो वैसे पिए आम से तो उसको आपको फ्लू नहीं होगी, हो गई नहीं, प्रिवेंशन है पहले से आप करें तो ठीक है। बजाय इसके कि जब हो गया तो उसके बाद ये हो, इस तरह की हेल्दी चीजें वैसे ही अपनी डाइट में शामिल रखा करें। अच्छा, मुझे सच में साइनसिस के बारे में कहा जाता है, मैंने पढ़ा है कि साइनसिस की 90% सर्जरीज जो होती हैं वो फजूल में करा दी जाती हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं होती, करानी ही नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं करानी चाहिए। और बाज़ दफा डॉक्टर कहते हैं कि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई, जबकि नाक में हड्डी है ही नहीं। ये बात तो मैंने बहुत दफा सुनी है। व्हाट व्हाट? अच्छा, दूसरा ये कि लुब्रिकेशन बड़ी जरूरी चीज है। अब लुब्रिकेशन करेंगे तो जमा हो ही नहीं सकता, रास्ता खुला रहेगा, साइनस होएगा ही नहीं। बिल्कुल, जो आपने बताया कि रात को आपने एक एक कतरा बादाम का तेल नाक में डालें। बादाम और ऑलिव ऑयल, ये दोनों एंटी एलर्जिक हैं। अच्छा। सरसों बेहतरीन तेल है, लेकिन बाज लोगों को उससे एलर्जी होती है, इसलिए ये दोनों बड़े सेफ हैं। ठीक है, तो उससे जो है आप वैसे ही आपकी जो क्या कहते हैं पैसेजेस हैं, ये वैसे ही मॉइस्ट रहेंगे, तो कुछ जमा जो खुले रहेंगे। हाँ, ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मिस्टर खिदमत से सवाल करना था। पूछे पूछे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। किसके बारे में? अपने भाई के बारे में। भाई के बारे में जी, पूछिए। उनको सेटिका का मसला है ना, आपने हर्बल के बारे में बताया था। हाँ हाँ, ये असल में किस चीज का बीज है? ये हम आपको ऑन एयर जवाब देते हैं, हम आपको बताते हैं। सेटिका का ही मसला है, बस हम आपको जो है साथ बता देते हैं जी। ये छोटे छोटे से दाने होते हैं हर्बल। अच्छा। बेसिकली मेडिकली हर्बल एंटीसेप्टिक है। आप कहीं जाएं हॉस्पिटल्स में या मक्का मदीना में जाएं या बस स्टैंड पे, लोग वहाँ धुआं देते हैं, जरासीम मारते हैं। और इसका एक एक दाना, ये 80 डेज का कोर्स है शैटिका का। अच्छा। एक दिन सुबह नहार मुँह, दूसरे दिन दो दाने, तीसरे दिन तीन दाने, इस तरह आप 40 दिनों में 40 दाने पूरे कर लें। और ये किस चीज़ का है? ये एक बीज होता है, एक कैप्सूल में होता है जिसमें कई सारे दाने होते हैं। तो आप उनको कहें मुझे हर्बल चाहिए, वो आपको दे देंगे। तो उसके छोटे छोटे से जो बीज हैं वो आपने साबत निकलने हैं, 40 दिनों में 40 पूरे कर लें। ठीक है। फिर एक एक दाना कम करें, यानी 39, 38, इस तरह 80 डेज का कोर्स है। इन बिटवीन आपका बिल्कुल दर्द खत्म हो जाएगा। पर आपने ट्रीटमेंट छोड़ी नहीं है, आपने ये कोर्स पूरा करना है। जब एक ये कोर्स पूरा हो जाए तो फिर आपको इंशाल्लाह सारी जिंदगी ये तकलीफ नहीं होगी। और साथ में एक्सरसाइज जो मैंने बताई थी, जैसे दीवार पकड़ लें और अपने जैसे लेफ्ट साइड की मैंने पकड़ना जरूरी होता है ताकि आपने हिलना नहीं है। ठीक
तो राइट साइड की जो आप अपने पाँव है उसको बैंड कर लें ताकि आपकी हील आपकी बटक को लगे, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरा हाथ राइट दीवार पे रखें तो लेफ्ट बैंड कर लें, करना दोनों पे है, करना दोनों पे। और किरण ने हमें जो है शातिका का योगा भी बताया, योगा में मैंने बताया था कि कैसे करना है, जब आपने कुबरा पोज जिसे कहते हैं आप लेट के बिल्कुल, और आपके जो हाथ है ना बिल्कुल दूसरे चेस्ट लेवल पर रखें, और अपने आपके डीप ब्रेथ लेते हुए अपने ऊपर की तरफ देखना है और फुल अपने आप को स्ट्रेच करना है, ठीक है। और एक ये है, और आपने सीधा लेट के अपनी जिस लेग की आपकी पेन हो स्टार्ट होती है तो पेन को आपने लेफ्ट को आपने उठाना है, ठीक है। अगर नहीं हो सकता तो आपने थोड़ा सा या स्प्रिटन करें कि आपके जो नी है तो वो आपके जो फोरहेड पे लगने चाहिए, ठीक है। यू बेंड करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपने इसको स्ट्रेच करें अपनी कमर को, एक स्ट्रेच करती जाए, ठीक है। और हाथ झुकना नहीं, लेकिन जितना कहते हैं बैक बेंडिंग जैसे कहते हैं वो बहुत ज्यादा किया करें, ठीक है। आप शुरू में जैसे अभी आपके पहलू रख सकते हैं, पीडो रख के आपने उसको स्ट्रेच करें और बैक कर, ये लाइक दिस, ठीक है। बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे जो मैंने लेट के बताई है और दोनों प्रॉपर हमने आपको योगा फुल बताया था शातिका के पेन के लिए। दूसरा कैट पोज में बैठ के वन हैंड स्ट्रेट करें और दूसरे इलाका स्ट्रेट करें, और आपने उसको 30 सेकंड तक आपने होल्ड रखना है, लेकिन साथ आपने डीप ब्रेथ जरूर लेना है। हाँ बिल्कुल, अपने आप को क्रैम्प नहीं करना। और एक चीज का जरूर ख्याल रखें कि कोई भी एक्सरसाइज करते हुए, बड़े मजे की बात, अभी रिसेंटली मुझे एक डॉक्टर ने बताई कि मैं उनसे पूछ रही कि ये वाले एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये वाले कर सकते हैं, शातिका का पेन हो अगर ये, तो उन्होंने कहा जिस चीज में आपको दर्द हो रही है वो आपने नहीं करनी, ठीक है। जहां पर भी जाके आपको पेन हो रही है तो वो आपने नहीं करी है। सोर मसल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आपको इतना स्ट्रेच करने की बात कर रही हूँ कि आपको तकलीफ होना शुरू हो जाए। जो हम आपको अभी पोजेस बता रहे हैं, जिस तरह कोबरा पोज बताया, मिसेस हशमत ने जो एक्सरसाइज बताई है, ये सिर्फ आपके पोस्चर को स्ट्रेट करने के लिए, आपकी जो चीजें इधर उधर हिल गई है उनको वापस लेकर आने के लिए। शातिका का होता क्या है, ठीक है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड है जो कि ये बिल्कुल सेम लाइक दिस बनी हुई होती है, ठीक है। ये जो है ना जितनी ये है ये सारे नर्व यहाँ एंटर हो रही होती है, ठीक है। और ये आउटर साइड है और ये इनर साइड है, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। और एक अंदर एक एक नर्व एंटर होती है मसल के साथ, ठीक है। जब हमारे शातिका स्टार्ट होते हैं या आपके अलाइनमेंट, ये आपके अलाइनमेंट जो है ना वो टेढ़ हो चुकी होती है, और हर एक के दरमियान इसके अंदर जो होती है ये लेगमेंट्स होती हैं। लेगमेंट्स क्या है, यहाँ से ये नर्व दबती है, दब जाती है। एक तो वो जैसे पिंच होती है तो वो हम ऐसे करते तभी पिंच, वो नर्व बार बार वो वेव निकाल के और पेन दर्द कर रही होती है, और उसका ये पूरा एक नर्व जो है ना शैटिक मेन नर्व वो इनका नाम होता है, तो उसको हम शैटिका कहते हैं, शैटिका पेन। वो पूरे यहाँ से एक बड़ी सी नर्व जैसे वेन से बनी होते हैं यहाँ तक खत्म होती है, तो वो पेन ट्रैवलिंग करते हैं। तो जब आपकी ऐसा पोस्चर सही नहीं होती, अक्सर हमारे जो होते हैं आपके पोस्चर सही है वो कर होती है, हम सब का देखे ना, कोई भी हिले ना अगर अपनी जगह से, सब ऐसे बैठे हैं, कोई भी सीधा नहीं बैठा। उनका अक्सर सर्वाइकल का प्रॉब्लम होती है, जिनका बैक में ये जो शातिका होती है उनकी जो ये हमारा जो अलाइनमेंट है ये बिल्कुल ऐसे और कर्व होने चाहिए, उनके कर्व नहीं, वो स्ट्रेट हो गई है, इसकी वजह से इनको पेन स्टार्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं का शुक्र, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। हमसे कोई सवाल है आपका? जी मुझे सचमा से पूछना था। जी जी पूछिए। ये मुझे ज्वाइंट का हड्डियों का बहुत ज्यादा दर्द होता है और जिसम सारा दर्द कर रहता है, ये मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं मेडिसिन वगैरह भी दे रही हूँ। मेरी 23 है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 23। मुझे घुटनों में भी, मैं बैठ सकती हूँ तो आवाज आ रही होती है, बहुत सख्त दर्द होता है। मेरी बात सुने, आपकी वेट कितना है? वेट मेरा 43 है अभी। नहीं वेट तो बहुत कम है। आप अपने टेस्ट करवाए हैं ब्लड और यूरिन के? जी मेरा सारा ठीक है, यूरिन का थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम था, अब वो भी ठीक है। नहीं नहीं सारा ठीक हो तो दर्द कैसे होता है इस उम्र में? आप एक काम करें, आर ए फैक्टर, ये हड्डियों की जोड़ों के दर्द की किस्म है, आर ए फैक्टर ये करवा लें, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड यूरिक एसिड,
ये चार टेस्ट कर रहे हैं, तो अगले जुमे को हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? ये बहुत जरूरी है, छोटी सी उम्र में कोई ना कोई वजह तो होगी। नहीं, बगैर वजह की तो होती ही नहीं, कोई नहीं। आपने ये तीनों टेस्ट कराने हैं, प्लीज हमसे शेयर जरूर किया करें, हम बाकी आपकी बात सुनते हैं। हम वेट कर रहे होते हैं कि हम आपके टेस्ट देखेंगे। क्या चिंपूरी होती है बूढ़ी? ये तो 23 इयर्स की है। वो कह रहे कैल्शियम की कमी तो नहीं है, वो कह रहे कैल्शियम की कमी का मसला नहीं है, आपने टेस्ट जरूर करवाने हैं। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। निम्र आपके ड्रेसेस फिर, ठीक है जी। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमारे मास्टर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक, आप सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या बना रहे हैं आज? आज हम पैनल के साथ शर्ट, ये पैनल वाली बनाएंगे। पैनल वाली शर्ट, ठीक है। तो पहले हम जो हमारे पास बना बनाया सैंपल है, इसके बारे में बात कर लें। जी, इसमें बेसिकली मैंने यूज किया है बहुत ज्यादा स्टारों वाला फैब्रिक, जो कि एक पैटर्न के साथ है। इरेगुलर नहीं, आप देख सकते हैं zigzag में सारा सीक्वेंस जो है ना आया हुआ है। इसके साथ मैंने आपको बहुत हाई नेक लाइन दिया है, सो दैट ये बहुत ज्यादा डीप, एक बहुत कैजुअल सी है, तो थोड़ी सी हाई रखेंगे तो आप इजिली साथ में कोई अच्छे से इयररिंग्स भी पहन सकते हैं। और साथ में फुल स्लीव दिया है, ये एक मॉडर्न लुक है जो कि आप रात है किसी फंक्शन पे कैरी कर सकते हैं इजीली। नीचे साथ में मैंने इनकी टाइट्स दी हैं ब्लैक, आप इसके साथ कोई भी फ्लैपर ट्राउजर्स भी पहन सकते हैं, लेकिन टाइट्स के साथ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसकी लेंथ आपने लॉन्ग रखी हुई है। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा शॉर्ट में भी आप बना सकते हैं, टिल योर थाई भी आप बना सकते हैं, सो दैट उसके साथ आप अगर फ्लेयर वाला ट्राउजर भी पहनेंगे तो एक मॉडर्न लुक भी कैरी हो जाएगी साथ में। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल हमने सिंपल सा बनाया है, इसके ऊपर ऑलरेडी इतना काम है। और ये दूर से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शाइन इसकी विजिबल है, और ये बहुत है उसके लिए। साथ में अगर आप टॉप्स भी पहनते हैं तो वो इजीली आप में एक मॉडर्न लुक आ जाती है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पर हम आपको जो है अब ये बनाना भी सिखा रहे हैं, काफी कलरफुल से आज हमने कपड़े लिए हैं। ये था कि आपको नजर आए ना कैसे बनाना है। हम प्रोबेबली प्रैक्टिकली वेयर नहीं करेंगे, सिर्फ ये आपके लिए जो है हम बनाने के लिए, ये नेक्स्ट फ्राइडे तक तैयार हो जाएगा तो हम आपको दिखा भी देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे तो ये तैयार झटपट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो हम इसमें आपको नेक्स्ट फ्राइडे इसकी फाइनल लुक ऑन द मॉडल दिखा देंगे। ठीक है जी, सही। पहले हमने इसको फोल्ड कर लिया, पहले हमने फोल्ड, आपने बताना है। जी मास्टर जी, इसकी डबल तह लगा दी है, ठीक है, बैक और फ्रंट की। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे मार्किंग। ठीक है, मार्क किस चीज का लगा रहे हैं हम? ये आ रहा है हमारी लेंथ की तैयारी आ गई। ठीक है, ठीक है। ये शोल्डर की आ गई, सही, 7.5 पे शोल्डर, चेस्ट की, चेस्ट 7.5, वेस्ट, ठीक है। ये हमारी हमारी लेंथ तकरीबन हमने 41 इसकी लेंथ रखी है। मैं भी सीख रही हूँ साथ साथ कपड़े बना। अब हम यहाँ से इसके पैसे बचा लेंगे, शेप देंगे। खुद तो मैं कभी भी नहीं सीऊंगी, लेकिन समझ आनी चाहिए है ना कि कैसे होगा। बिल्कुल, बड़े पैसे बच जाते हैं। मास्टर साहब, आपका बिजनेस खराब करूंगी मैं, सबको सिखा के कपड़े घर पे कैसे नहीं करता कोई कोई। आई थिंक जितनी इनको प्रैक्टिस है ना, अगर आ भी जाएं तो भी हम नहीं खराब कर सकते। हम वापस वो क्या कहते हैं, रिवाइंड कर कर प्रोग्राम देख लेंगे मास्टर साहब क्या काट रहे थे। अच्छा, ये हमारा नेक का निशान लगा दिए, ठीक है। यहाँ से अब हम आर्म होल और शोल्डर को, हमारी चेस्ट है, ठीक है, ये हमारी वेस्ट है। देखिए किस तरीके से बैलेंस्ड है, ठीक है, क्योंकि अब हमने इसमें डालना है पैनल। ठीक है, तो पैनल की भी आपने स्पेसिफिक एक मेजरमेंट रखनी है। ठीक है, मुझे ड्राइंग बड़ी पसंद आती है जिस पे हम करते हैं ना, और काफी नीट है। हाँ बिल्कुल, बहुत नीट होती है, मैंने पहली दफा देखा है ये इतना नीट जो काम हो रहा है। कुछ दर्जी जो है ना वो बगैर निशान लगाए बहुत रफली काट देते, और फिर वो आपके एंड प्रोडक्ट में वो रफनेस दिखाई नजर आ रहा, तो फिनिशिंग ही नहीं होती कोई, बिल्कुल स्टिच आपका बैलेंस नहीं होता। जो शुरू से चीज ही ना सही कटी हो तो फिर आपको पता है किस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट आता है। अब ये मास्टर जी इसमें पैनल की लाइन लगा रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये इसको डॉट को करेगी टच, ठीक है। जैसे हम ब्लाउज में देते हैं ना डॉट, ऐसे इसमें हम पैनल में डॉट दे रहे हैं, सही।
अच्छा ये आपको देखिए इतनी डिटेल में हम सिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि मेरे जितने भी इस वक्त देखने वाले हैं जो ये सीख रहे हैं वो कुछ बना के हमें उसकी तस्वीर भेजें ताकि हम शेयर करें कि वाकई आप लोग भी जो है घर में इसका कुछ बना रहे हैं। और अगर आपको समझ नहीं आता तो आप रिपीट पे स्लोली भी देख सकते हैं। रिपीट पे स्लोली भी देख सकते हैं जो देख रहे हैं उनके लिए आसानी है। ये यहाँ पे सीधा निशान लगा लें, ठीक है, ठीक है, एक इंच की ये गैप है, यहाँ से वो राउंड दे सकते हैं, आराम से उनको अंदाजा हो जाएगा इस चीज का। जबरदस्त, ताकि ये देखिए आपकी शेप बिल्कुल इजीली आ गई है। इसी से ये वाला पैनल हमारा निकल के आ जाएगा। जबरदस्त भाई, ये देखिए कितना, और ये देखिए ये हमारा पैनल की बकायदा शेप विजिबल हो गई है। यहाँ पे आप नेक बना सकते हैं, चाहे राउंड बना लें चाहे वी बना लें। ये नेकलाइन एरिया हो गया, जबरदस्त, सही हो गया, जबरदस्त। अब इसके साथ हम फ्लेयर ऐड करेंगे नीचे। ये तकरीबन 10 इंच पे इसका निशान ला के आपने राउंड देनी है, ठीक है, सही। कटिंग करते हैं इसकी शुरू, तो आपको विजिबली हो जाएगा किस तरीके से इसकी हम कटिंग करते हैं। मैं तब तक जो हूँ हिना के पास जाना चाहूंगी क्योंकि हम लोगों का खाना भी तैयार हो चुका है। और मैं कहती बिगनर्स के लिए बड़ा अच्छा जो है ना ये निमरा जो ले आती ना मसाला को, वो और बड़ा घर में अच्छा ही बैठे आप जो है ना वो अगर कोई इस प्रोग्राम को जरा गौर से देखे ना तो उसमें सब कुछ देखे, सब कुछ इन्फॉर्मेटिव है। खाना बनाना सिखा रहे हैं मिस रशमत से, आप सारे इलाज मौलजे पूछ लेते हैं, परफेक्ट आपको परफेक्ट खातून बना देंगे, है ना। सीरियसली ना ये आप इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है, इसका फायदा लेना चाहिए। ये हो गया देखिए सुंदर, ऑयल भी बिल्कुल जरा सा इस्तेमाल हुआ और आपने जो मटेरियल बनाया था वो बच भी गया है, वो आपका बाद में भी इस्तेमाल हो जाएगा। अब ये चूंकि ये थोड़े गेस्ट आए थोड़ा अच्छा लगता है, हाँ हाँ। तो हम इस तरह से इसको स्कीवर के ऊपर ही सेट कर देंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में आप दे रहे हैं, क्यूब में काट के दे दें, साथ में थोड़े से राइस दे दें बच्चों को, घर से कोई पराठा बना के दे दें। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से जो है ना इसकी सर्विंग भी हो रही है। अच्छा ये बड़ा एक है, अगर जितना खूबसूरत आंखों को लगेगा ना, जायका बेशक अच्छा ना हो तो खाने में मजा जरूर आएगा। देखने जायका बहुत अच्छा होना चाहिए, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज है, इतने आप शौक से आपके सामने आती है, भूख लगती है जब आप खाते हो तो इतनी बुरी होती है। ये एज अ स्नैक्स भी आप यूज कर सकते हैं, और ये वेरी गुड, बिल्कुल प्योर डाइट है। मुझे हिना बहुत अच्छा लगा कि आपने ये अच्छे डाइट वाले हमारे कॉन्शियस वाले का डाइट बिल्कुल। अच्छा जी आपके बहुत सारे सवाल है मेरे पास, तो मैं चाहूंगी कि मैं मिसेस अशमत से जो है वो पूछ लूँ। अच्छा मिसेस अशमत, कमर अली पूछ रहे हैं कराची से कि मुझे फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम हो गया है, बेड से उठा भी नहीं जा रहा, इतना सवेर है, मैं क्या करूँ। फ्रोजन शोल्डर का इलाज तो सिर्फ फिजियोथेरेपी है, लेकिन वो अपने टेस्ट जरूर करवा लें, उसका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड। अच्छा ये तीनों चीजें जहाँ भी हड्डियों की तकलीफ हो, जहाँ भी दर्द है, हर बंदा करवाए, ठीक है। अच्छा इसके बाद इसके इलाज फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी हाँ, जितना जल्दी शुरू करें क्योंकि जितना टाइम गुजरता है ये तकलीफ बढ़ती जाती है, फ्रोजन शोल्डर बढ़ती जाती है, ठीक है जी। एक्सरसाइज है हाँ। बताते नहीं इसके लिए एक एक्सरसाइज है जब आपने इसे स्टैंड होके वैसे बेड भी है और खड़े होके, तो आपने ना ये हाथ पे स्ट्रेट रखे और आपने जैसे जो दीवार को ना पुश कर रहे हैं, ठीक है, ये जैसे फॉर एग्जांपल दीवार है और मैं इसको पुश कर रही हूँ जोर से आपने पुश करें, ठीक है। नहीं तो एक बॉल लेके, जो भी है बॉल है, उस बॉल को आपने दीवार पर रख के ना तो आपने उसको मूवमेंट दिया करें, जैसे वो स्ट्रेस बॉल होता है, स्ट्रेस बॉल होती है, ठीक है। और रात को आपने ना उसको हाइसिंग दूसरी में जो हीट पैक होते हैं ना वो लगा करें, हॉट वाटर बॉटल या हीट पैक जो है वो लगाना डेली, और दिन में 3-4 दफा ये जरूर किया करें, तो पहले आपकी मूवमेंट थोड़ी कम होगी और आहिस्ता आहिस्ता उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लेकिन अपने टेस्ट जरूर कराएं कि इसकी वजह क्या है, ये आपको हुआ क्यों है, ताकि आपकी जो है उसी को ठीक कर दिया जाए। अच्छा जी सी क्या लिखा मैंने, होममेड फेस स्क्रब स्क्रब के बारे में होम मेड फेस स्क्रब के बारे में बता सकती हैं जिससे ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाए, मेरे फेस पे बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हैं। आमिना रजा रावलपिंडी। अच्छा स्क्रब बहुत जरूरी चीज है क्योंकि वो हमारी डेड स्किन उतार लेते हैं। अच्छा आप जो से भी बना सकते हैं, आप बादाम से भी बना सकते हैं, उसको बड़ा बड़ा कूट लेना और आप उसको में खसखस भी डाल लें, उसके छोटे छोटे दाने जो होते हैं वहाँ हमारे उतार देते हैं, उसको थोड़ा आराम से उसमें दूध और हल्दी डाल के और उसको अपने फेस पे लगा लें, जब सूखने लगे तो आप उसको गोल गोल
मसाज करें उतर जाएगा। तो ये रोज करना चाहिए क्या मिसेज में? ये चीजें तो न्यूट्रिशन है, जैसे हम खाते हैं तो हमारे अंदर फायदा देता है, स्किन के ऊपर लगाए तो हमारे स्किन को फायदा देता है, इसमें दही भी डालने तो और डबल फायदे हो जाते हैं। देखिए हमने आपको कितना फिट फेस स्क्रब जो है बनाना सिखाया। ब्लैक हेड्स, पांच वक्त नमाज पढ़े उसको ब्लैक हेड्स होते ही नहीं, क्योंकि ये पोर्स खुले होते हैं और वो जो जितना भी डस्ट होता है सारा कुछ जमा हो के ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। इसके लिए या तो आप टमाटर लगा लें चेहरे पे, या आप शहद लगा लें। अच्छा। उससे स्किन नरम हो जाती है और फिर जब स्क्रब करते हो तो निकल आते हैं। उसके बाद आप खीरा लगा लें, उसकी खीरे की वजह से आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब ब्लॉक नहीं बंद हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर मजीद जो है कुछ एलोवेरा भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा तो बेहतरीन चीज है, वो तो वैसे भी चेहरे पे लगा ही रखें, ठीक है। सन ब्लॉक भी है, स्किन भी टाइट रहती है, रिंकल्स भी नहीं पड़ती, दाने भी नहीं बनते। 30 की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है सच में। बहुत बहुत टाइम है, तो मेरे को 15-16 साल रहते हैं। आपको बहुत टाइम है, मेरा स्टार्ट हो गया 15-20 साल रहते हैं अभी तो। मेरा टाइम स्टार्ट हो गया। नहीं, 5 साल बाद एक दफा बर्थडे मनानी चाहिए खवातीन को, ठीक है? ये मैं आप लोगों को टिप दे रही हूँ, अभी से शुरू होने वरना थोड़ी है, बहुत बहुत जल्दी उम्र गुजर जाएगी। 5 साल में एक दफा बर्थडे मनाएं, ठीक है? सारे ये जो है ना पल्ले बांध ले मेरी बात। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं मिसेज महमूद बात कर रही हूँ, मिसेज हशमत से बात करनी है। जी जी, मैं सुन रही हूँ, फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे ना यूरिन का प्रॉब्लम है, हाइपर एक्टिव ब्लैडर। आप सिर्फ एक बात मुझे बता दें, आप यूरिन आ रही आपने करवा? टेस्ट वगैरह तो सारे होते रहते हैं। अब आ रही की आप बात कर रही हैं? हाँ, रूटीन एग्जामिनेशन। हाँ जी, ये तो होता है, हुआ हुआ है। आप मुझे इसका रिजल्ट बता सकती हैं? अभी फिलहाल तो नहीं है मेरे पास। तो आपकी एज कितनी है? मेरी एज 40। अच्छा, और पेट मोटा तो नहीं है? नहीं। आप यूरिन आरी करवाएं, जिनका पेट मोटा होता है उनको ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि चर्बी की वजह से ब्लैडर प्रेस होता है तो फिर यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती है। नहीं, मेरा पेट बिल्कुल भी मोटा नहीं है। और मुझे ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब मैं अब सर्दियों में तो सारा दिन में आधा गिलास भी पानी नहीं पी सकती, और फिर भी मैं मेडिसिन के बगैर आधा घंटा बमुश्किल गुजारती हूँ। कौन सी मेडिसिन के बगैर? सोलिफ चल रही है मेरी। ये तो कोई इलाज ना हुआ, कभी कभी थायराइड की वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमने ये इलाज नहीं करना कि आपको ये प्रॉब्लम है। हम ये देखना चाहते क्यों क्यों ठीक होगा, तब आप ठीक होंगी। ठीक है, आप थायराइड भी करवा लें, यूरिन आरी का हमें रिजल्ट बता दें, हम आपको जवाब दे देंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। ये वैसे हाइपर एक्टिव ब्लैडर होता क्यों है? ये कोई इन्फेक्शन होती है? कभी कभी थायराइड की वजह से ये भी हो जाता है। थायराइड वो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में, कुदरत ने बनाया है कि हमारा सारा सिस्टम कंट्रोल करती है। अगर वो मेल फंक्शन करे तो हर एक चीज के अपने अपने खाने हैं। बिल्कुल, जब तक वो ठीक ना हो तब तक ये ठीक नहीं होगा, तब तक ये ठीक नहीं होता। ठीक है, आपको टेस्ट हमने बता दिए, प्लीज अपने टेस्ट कराएं ताकि हम इसकी वजह तक पहुंच सके और उसके बाद आपको जो है ठीक भी कर सके। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम लोग यहाँ पर ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे, मिस्टर सशमत से मेरी बात हो रही थी आज, जो मैंने ओपनिंग की नमाज पे और किस तरह उसके फायदे हैं योगा में, तो मिस्टर सशमत कह रही थी मैं भी आपसे कुछ शेयर करूंगी इस बारे में। मैं अब वजू पे बता दूंगी। अच्छा अच्छा। हम लोगों की ये कोशिश होती है एक वजू में हम सारी नमाजें पढ़ लें। मेडिकली वजू के क्या फायदे हैं? वजू हम क्यों करते हैं? हम सबसे पहले मुंह धोते हैं, मुंह हमारा गेट वे है हमारी पूरी सेहत का। जब हमारा मुंह दान साफ होते हैं उसके बाद हम नाक धोते हैं, हमारा फिल्टर है, जो रेगुलर नमाज पढ़ते हैं उनको एलर्जी नहीं होती क्योंकि फिल्टर साफ होता है। बिल्कुल। अच्छा, फिर हम मुंह धोते हैं, मौलवियों को ऐनक कमी लगी होती है, फिर हमारी आंखें साफ होती हैं, हमारी नज़र। अच्छा, उसके बाद फिर हम हाथ धोते हैं, ये नर्वस सिस्टम है, थोड़ा सा लग जाए तो कितनी दर्द होती है। हाँ, तो हम मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम मसा करते हैं, जब मसा करते ये हमारे पॉइंट हैं ब्लड प्रेशर के। अच्छा। हमारा ब्लड प्रेशर लेवल हो जाता है। उसके बाद हम गीली उंगली अपने कानों में लगाते हैं, उसकी वजह से हमारी कुव्वत-ए-समात
बरकरार रहती है, मॉइस्ट रहते हैं हमारे कान। अच्छा, उसके बाद हम यूं यूं करते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे लीवर और किडनी है वो सेहतमंद रहती है। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं ये हम क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद पांव धोते हैं, पूरे पांव में पंजे में हमारी पूरी बॉडी है, बिल्कुल एंकल्स तक। कहते जब तक आपके ये एंकल्स गीले नहीं होते आपका वजू नहीं होता, इसलिए यहाँ पर भी हमारा नर्वस सिस्टम है, बिल्कुल वो रिलैक्स हो जाता है। हमें दिन में ये सिखाया जाता है आप वजू करें तो आपका चेहरा आखिरत में चांद की तरह चमकेगा, आपके गुनाह धुल जाएंगे। और मेडिकली जो मैंने बताया तो इस्लाम सारा साइंस है, साइंस सारा इस्लाम है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर हम ये करेंगे, कल एक मेरे पास एक बच्चा आया था जो कनाडा में पढ़ता है, उसको स्किन की प्रॉब्लम थी, अब्दुलरहमान नाम था उसका। तो वो उसको सारा चेहरे का बात था, तो मैंने उसे कहा नमाज के लिए वजू के लिए, तो उसकी माँ ने भी कहा कि ये थोड़ा सा नहीं पढ़ता। मैंने कहा इसे जबरदस्ती नहीं पढ़ाना, सिर्फ इसको ये फायदे बताओ, फिर इसकी मर्जी ये पढ़े या ना पढ़े। अब जैसे अभी किसी ने कहा ब्लैक हेड्स हैं या स्किन खराब है या चेहरे पे दाने हैं, अगर वो रेगुलरली नमाज पढ़े, एक स्किन 15 दफा जो धोई जाए वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई गंजा हो जाए तो नहीं होगा। तो मैंने कहा अब्दुलरहमान को, मैंने सारी बातें बताई, मैंने कहा अब्दुलरहमान आपकी मर्जी, आप नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, वजू करते हो या नहीं करते हो, आपके हेल्थ बेनिफिट्स इसी में है। आप बेशक कैनेडा में पढ़ रहे हो, क्या फायदा जब आपका हुलिया इतना खराब है। अब मुझे यकीन है कि वो खुद से करेगा, खुद से बिल्कुल। जब आपको इतने फायदे, इतनी क्रीमें, इतना कुछ हम लोग करते हैं, और इस्लाम ने वही बात सेंचुरीज पहले हमें बता दी है। मैं तो अभी भी कहती हूँ साइंटिस्ट का जो मेन वो है, यू नो पॉइंट ऑफ डिस्कवरी है या रिसर्च है, उसमें आधी से ज्यादा बातें आपको सुन्नत रसूल में मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है, बैठ के पानी पीना है, क्यों पीना है, वो भी साइंस ने अब साबित कर दिया है। ठीक है, आपने थोड़ा सा भूख छोड़कर जो है खाना खाना है, ये भी साइंस ने बता दिया। छोटे छोटे आपने जो है सर्विंग्स में खाना है, थोड़ी देर बाद खाना है, ये भी बता दिया। हर चीज का राज जो है वो आपको इसमें मिल जाता है सिर्फ अगर आप उसको उस तरीके से, लेकिन अगर आपकी नियत ये होगी कि आपने अपने अल्लाह ताला को खुश करना है, अपने नबी की सुन्नत फॉलो करनी है, तो आपको इस दुनिया के भी फायदे मिल जाएंगे, आपको दीन के भी मिल जाएंगे, आखिरत के भी फायदे मिल जाएंगे। तो हर चीज में कोई ना कोई आपकी हिकमत है। तो ये देखिए कितने अच्छा जो है हमने आपको इसका भी सारा बता दिया। और ये किरण मेरे साथ एग्री करेंगी कि जितने भी नमाज में आपका जो पोस्चर होता है वो सब योगा के अंदर हाँ, है। वैसे जब हम बैक बेंडिंग करते हैं तो जब हम रुको जाते हैं तो बैक बेंडिंग, हाँ, जब हम वापस आते हैं तो वो हमारा आते हैं। इसी तरह जब सजदा करते हैं तो वो उसको कहते हैं चाइल्ड पोज। अक्सर मैं ये कहती हूँ जैसे आप सजदा, मैं वैसे जो योगा वगैरह करवाते हैं तो वो मैं नाम नहीं लेती, यही हाँ। कहती हूँ, यकीन कह रहे हैं, यही कहती हूँ कि मैं अच्छा जैसे आप सजदे में जाते हैं ऐसे आप इसी पोज बना, इसी तो पोज में, और हर चीज में कोई ना कोई जो है आपको फायदा ही मिल रहा है। सुंदर, एक बात और कहूंगी, जब हम सजदे में जाते हैं, आजकल तो मॉडर्न दुनिया है, ये डिवाइसेस आए हैं, डायरेक्ट हमारे बिजली, हमारे रेस हमारे दिमाग तक पहुंचती है, तो जब हम सजदे में जाते हैं तो तमाम अर्थ हो जाता है, हमारा दिमाग खाली हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन आ जाती है, आपकी आंखों की नजर, आपके दिमाग को खून आ जाता है, आपके बाल ठीक हो जाते हैं, और बैक इज आर्च, इस बैक के ऊपर इंसान, ये पिलर है बॉडी का, ये खड़ा है। बिल्कुल, अगर ये सही है तो आप सब ठीक हो, अगर ये सही नहीं है तो आप सब खराब हो, तो सब खराब। बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया था ना, एक नेचुरल आर्च है आपकी कमर, और उसको आपने वैसा ही रखना है, उसको सेहतमंद रखना है आपने, उसको टेढ़ा मेढ़ा करेंगे। मैं इनको बता रही है जिसकी कमर अननेचुरली ऐसे मुड़ गई है, और उसकी वजह से सिर्फ बैक के पेन तो उस बेचारी को जो होते उसकी डाइजेशन खराब हो गई, मैदा खराब होगा, तो उसका मैदा डाइजेशन हर चीज खराब होगी, कुछ डाइजेस्ट नहीं कर सकती। एंड शी सेज इट फील्स लाइक आप जैसे अपसाइड डाउन नहीं हो जाते, उल्टे हो जाते हैं, कहते इस तरह खाने का वो होता है कि ग्रेविटी आपकी पूरी हिल जाती है। तो अपना ख्याल रखें। मेरे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका शो तो हमेशा की तरह हसीन ही है। मैंने अब मिसेस हशमत से बात करनी है। जी 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 जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिसेस हशमत, मैंने आपसे बात करनी थी। मेरी सिस्टर है, वो खुराक खाती है, खाना मतलब खाती है तो ना वो खून नहीं पैदा करता तो बलगम बनती है। वैसे भी ना मुझे समझ नहीं आई, आप बीमारी का नाम बता सकती हैं? बीमारी का नेम तो नहीं मुझे पता, कुछ भी नहीं उसके, मतलब मेडिसिन भी उसने ली है तो कुछ फर्क नहीं पड़ा खास। एनीमिक है, मतलब कह रही खून नहीं बनता। आपने आप एक काम करें, अगर उसका खून नहीं बनता तो आप उनके लीवर और किडनी दोनों के टेस्ट करवा लें, ताकि हम आपको सही गाइड कर सके। इन्होंने यही कहा है ना कि खून नहीं बनता।
हाँ जी खून नहीं बनता तो वैसे भी वो खाना खा लेती है ना तो हल्की हल्की बेली में पेन रहती है। अच्छा। वो तो बता देंगे वो पेन नहीं रहेगा लेकिन खून तो नहीं बनता उसकी वजह मालूम हो जाए तो हम जवाब दे सकते हैं। हाँ जी एक और सवाल है मैंने पूछना है अपने हवाले से ही है। मेरे ना आईब्रो बहुत छोटे हैं तो मैं इनको घना करना चाहती हूँ और काफी लॉन्ग करना चाहती हूँ। मेरा कलर वाइल्ड है तो मुझे छोटे छोटे अच्छे नहीं लगते। हम जवाब दे देते हैं फिक्र ना करें आपको हम बताते हैं क्यूट सवाल है। आईब्रोज के लिए या आईलैशेस के लिए कस्टर्ड आईल ठीक है वो तो कहते हैं कि हथेली पे भी लगाओ तो बाल निकल आए वैसे एक मिसाल है लेकिन ये लगाया करें तो आपके ये हो जाएंगे ठीक है। और सुरमा ये दोनों बालों को निकालते हैं। हाँ बिल्कुल और मैं कहता हूँ अगर आप लेटेस्ट ब्यूटी ट्रेंड्स देखें ना तो उसके अंदर जब वो फेक आईब्रोज भी बना रहे होते हैं तो उसको जो है वो हल्का सा पहले यहाँ पे सीरम लगाते हैं उसकी जगह आप कैस्टर ऑयल लगा लें और उसके अंदर जो है फिर कलर भर देते हैं तो आप हल्का सा सुरमा लगा लें तो सोचें आपकी वो और ये बाकी कैस्टर ऑयल वर्क्स 100%। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ मेरे पास एक मॉडल आई थी जो गई थी मेरी पूरी की पूरी लैश उतर गई थी और मैंने कैस्टर ऑयल लगा लगा के दोबारा जो है उनका वो ठीक हो गया तो ये लगाइए। दूसरे ने पूछा कि खाना वो खाती है तो पेट में दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा ये इसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। हर खाने से एक घंटा पहले 3 अंजीर 20 मिनट पहले 2 गिलास पानी 1 चम्मच छिलका इसे खोल ताकि वो सिस्टम उसका रिलैक्स हो जाए फिर दर्द खत्म हो जाएगी और गैस खत्म हो जाएगा। अच्छा बाकी जो आपने ये बताया कि खून नहीं बनता है बड़ी सीरियस बात है एनीमिक है या खुदा ना खास्ता उन्हें कोई और मसला है और आपने नाम जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स का लिया था क्योंकि यूजली कहा यह जाता है कि स्पिनच और ये सारी चीजें जो है खून बनाने में बहुत साग से बेहतरीन फौलाद और किसी चीज में बिल्कुल तो ये डेफिनेटली आपको किसी ने इस बात का मशवरा दिया है लेकिन जब तक आप जाके टेस्ट नहीं कराएंगे आप उस वजह तक नहीं पहुंचेंगे कि ये क्यों हो रहा है तो इसका इलाज नहीं होगा। और हमें प्लीज जब हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि अपने टेस्ट भेजें तो भेज दिया करें बाकी आपको यहाँ पर मशवरा देंगे हम झूठ नहीं बोलते है ना फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं है ये। अच्छा जी हमारा जो है पैनल वाला फ्रॉक भी तैयार हो चुका है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। मास्टर साहब इसको आपने पिंस लगा दिए इनको लगा दिए पिंस ठीक है और इसको फिर इन्हीं पिंस के ऊपर ऊपर आपने जो है इसकी सिलाई कर देनी है तो ये आपको जो है ये पैनल वाला फ्रॉक है वो तैयार हो जाएगा। आप देखेंगे किस तरीके से दरमियान में पिनिंग हुई हुई और साइड की शेप भी देखें आर्म होल की भी फिटिंग्स की भी तो ये वही शर्ट है जो अभी हमने आपको मॉडल पे दिखाया है ठीक है। अच्छा ये जो इन्होंने पहनी हुई है इसमें भी पैनल डाला है? नहीं इसमें पैनल नहीं है क्योंकि आप अगर पैनल डालेंगे भी तो वो विजिबल नहीं होगा और बहुत ही खिचमिच स्टिचिंग मैंने आपको कहा था ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है इसकी तो वो स्टिचिंग भी सही पैनल पे नीट नहीं आएगा तो इसलिए हमने आपको सिंपल शिमर वाली नेट पे बता दिया आप इजिली पहन लें ठीक है जी। अच्छा हमारे पास टाइम कम रह गया तो मैं जितने सवाल पूछ सकती हूँ मैं सचमुच से पूछ दूंगी। अच्छा बल्कि उससे पहले सॉरी जी ये तो मैं कर लूँ आज के जो हमारे इतने ज्यादा कॉलर्स थे वो आज मिसेस सचमुच हमसे जीतेंगे एक वाटर फिल्टर। तो जितने लोगों ने मेरे सवाल का जवाब दिया है जो मैं आज पूछ रही थी कि आजकल की बहू में और पुरानी जमाने की बहू में क्या फर्क था उनके जो है सारों के मैंने नाम इसमें डाल दिए और ये मिसेस हशमत जो है इसमें से एक लकी विनर का नाम जो है वो चूज कर लें जिनको हम चले जी फिर नौरीन कराची से आज का जो है हमारा गिफ्ट जीत चुकी है। ये नौरीन आपकी तरफ से वाटर फिल्टर पहुंचा दिया जाएगा एटीवी की तरफ से और आप सेहतमंद साफ सुथरा पानी जो है वो पिएंगे और हमें दुआएं देंगी जब आप किसी भी बीमारी का शिकार नहीं होंगी। इसी बात का जो है मैं मिसेस हशमत से पूछ भी लेती हूँ क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम किडनीज के मेरे पास बहुत सारे सवाल आते थे साफ पानी पीना कितना इंपॉर्टेंट है सेहत के लिए। अगर हमने जिंदा रहना है तो हमें साफ पानी पीना चाहिए इतना इंपॉर्टेंट है इतना बस देख लें फिर जिंदगी मौत का सवाल है ठीक है। और जिनके पास मिनरल वाटर की फैसिलिटीज नहीं है तो बहुत सारी इस तरह की जदीद चीजें आ गई हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर कुछ पाउडर्स हैं कुछ ड्रॉप्स हैं जो आप डाल दें तो उससे जो है वो साफ हो जाए। वरना सबसे आसान तरीका सबसे आसान है रात को एक देगची में पानी चढ़ा दें उसको बॉयल होने दें सुबह उसको छान के जो है पानी पिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे गर्मियां आ रही है उसके अंदर पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा हो जाता है तो प्लीज साफ सुथरा पानी जो है वो पिए। अच्छा जी आखिरी सवाल मैं आज का पूछ रही हूँ से मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई और रफ हो गए हैं शाइन खत्म हो गई है नेचुरली स्ट्रेट हो सकते हैं ताकि मैं स्ट्रेटनर का इस्तेमाल छोड़ दूं। बाय नेचर जो चीज हो वो आप चेंज नहीं कर सकते बगैर केमिकल के इसलिए आप अपने बालों को ना छेड़ें जो कुदरत ने बनाए बड़े खूबसूरत लगते हैं। और एक बात मैं और कहूंगी जैसे आपने पानी उबालने का कहा स्टील के बर्तन में उबालना चाहिए। अच्छा। हमें चाहिए कि हम अपने बर्तन चेंज करें उनकी वजह से भी बीमारियां फैल गई हैं। ये जो पहले जमाने में होती थी हांडी मिट्टी की या वो कलई लगा हुआ जो बर्तन होता था कोशिश करें कि उसमें पकाएं ठीक ये बाकी चीजें तो बीमारियां हैं इतनी बीमारियां फैल रही हैं वो सिर्फ
ये कि हमें कोई असली चीज नहीं मिलती है, अगर हम सब्जी भी खाते हैं तो वो भी खराब पानी और उसके होता है पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। अगर हम दूध भी ले रहे हैं तो डब्बों में कितना केमिकल होता है, हम वो पीते हैं। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आई, हमारी उम्र गुजर गई है, पता नहीं इनकी सेहत का क्या होगा। फिर सबसे बड़ी बात बर्तन, अगर हम अपने बर्तन भी चेंज करें, क्योंकि वही जहर हमारे अंदर जाता है और हमें खराब करता है। ये बहुत जरूरी बात है, बिल्कुल। ऐसे ना कहीं आपकी उम्र गुजर गई, अल्लाह ताला आपको लंबी खुशगवार जिंदगी दे, आप हमारे साथ रहें, आप यहाँ आती रहें, हमेशा इतनी खुश रहें और बहुत ज्यादा दुआएं दिया करें मिसेस अशमत। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, इसी तरह ये फलता फूलता रहे। आमीन आमीन। सारी टीम के लिए मेरी ये दुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग महकती मॉर्निंग, थैंक यू एवरीबडी फॉर बींग हियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा सा वीकेंड गुजारिएगा, अच्छे अच्छे काम कीजिएगा, नेक काम कीजिएगा, नेकियां कीजिएगा, और उसको फेसबुक पे मत डालिएगा, मैं हमेशा ये कहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।